हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा तुझे वीजा नहीं मिलेगा पाकिस्तान नहीं जाएगा हॉस्पिटल के सामने खड़े हो के फूफो कर रहा है बीवी बीमार है अंदर है क्या हुआ भाभी को वही औरतों वाली बीमारी और वाली बीमारी खर्चा इतना सिगरेट तो तो... कितने की दस रुपए की दस रुपए की और जेब में कितनी पड़ी एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या बकरा ये देख मौत है इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड में जिंदगी <laughs> हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच अभास ये पीने में नहीं है, ये देने में तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे गदर एक प्रेम कथा है फिल्म के बारे में कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है और किसने इसकी कहानी को लिखा है और यह मूवी कब रिलीज हुई थी और इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं उनके बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये मूवी हिट हुई थी या फ्लॉप और इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस मूवी ने कितना कारोबार किया था और यह मूवी कितने बजट पर बनी थी तो गदर एक प्रेम कथा है यह अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित उन्नीस में भारत के विभाजन के दौरान सेट की एक 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें बूटा सिंह के जीवन पर आधारित है जिसमें सिंह द्वारा निर्देशित फिल्मी अमरीशपुरी और लिटिल दुबे के साथ सनी देवल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं और शर्मा का पुत्र उत्कर्ष शर्मा एक बाल कलाकार के रूप में देवल और पाटेल के बेटे की भूमिका निभाते हुए एक वयश्य के रूप में अपनी पहली फिल्म से पहले और एक शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 हज़ार पटेल ने 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका निभाई जिन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडियंस दिया था तो फैंस आइए जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अनिल शर्मा और इस फिल्म की कहानी लिखी है शक्तिमान तलवार ने और इस फिल्म को निर्मित किया है नितिन केनी और इस फिल्म को अभिनय करने वाले हैं सनी देवल अमीषा पटेल पुरी और लिटिल दुबे हैं और इस फिल्म का छायांकन किया है नजीम खान ने और इस फिल्म को संपादित किया है ए डी धनशेखरन ने केशव नायडू और अरुण बी नावेरकर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है उत्तम सिंह ने प्रोडक्शन कंपनी है सी टेली फिल्म्स और इसको वितरित करने वाले हैं सी टेली फिल्म्स ने तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि यह मूवी कब रिलीज हुई थी तो यह मूवी पंद्रह जून दो हज़ार एक को रिलीज हुई थी देश भारत भाषा हिंदी अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था एक सौ नब्बे मिलियन का और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया था वन मिलियन का तो गदर एक प्रेम कथा लगभग 190 मिलियन यूएस फोर पॉइंट जीरो थ्री मिलियन का बजट है और गदर एक प्रेम कथा को पंद्रह जून दो हज़ार एक को आशुतोष गौरकर की स्पोर्ट ड्रामा लगान के साथ वैश्विक सिनेमा में रिलीज किया गया था जिसे मिश्रित समीक्षाएँ प्राप्त करने के बावजूद इसने भारत में युद्ध रूप से सात सौ अड़सठ पॉइंट आठ मिलियन यू एस सोलह पॉइंट मिलियन डॉलर और दुनिया भर में वन पॉइंट मिलियन यू एस अट्ठाईस पॉइंट उन्नीस मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी और पाँच मिलियन यू या ग्यारह पॉइंट सत्तावन मिलियन डॉलर के बितरक शेयर के साथ और हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी और सन उन्नीस में गदर एक प्रेम का था उन्नीस के दशक के बाद भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसने भारत में पचास मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की है और बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार में इसकी समायोजित सकल राशि फोर पॉइंट छियासी मिलियन यूएस एक सौ तीन मिलियन डॉलर है और सनी देवल की शर्मीली भूमिका की प्रशंसा की गई है जिसमें उन्हें सैंतालीसवें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला है जबकि पाटिल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया है और 2014 तक ये भारत के विभाजन पर बॉलीवुड की अवश्य देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की कहानी शुरू होती है भारत के विभाजन दौरान फिल्म एक की की एक ट्रक ड्राइवर यानी यानी कि कि तारा सिंह सनी सिख की कहानी बताते हैं जिससे एक मुस्लिम लड़की सकीना यानी कि सकू अली अमीशा पटेल से प्यार हो जाता है जो कुलीन परिवार कहानी पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में रेलवे स्टेशन से भारत आने के दौरान पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला किए जाने के साथ शुरू होती है जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान में पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं विभाजन के तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई है फिर भी वो रेलवे स्टेशन पर सकीना को उसके हाथों में छोटे ताजमहल प्राची पहचान कर रुक जाते हैं और वह उसे एक जानलेवा भीड़ का पीछा करते हुए बचाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि वह भीड़ भी 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 में खो जाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रही है जैसे ही भीड़ ने उसके साथ बलात्कार और उसकी बेरहमी से हत्या करने का प्रयास किया था तारा सिंह ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके माथे पर खून से सिंदूर लगाते हुए लगाकर उसका बचाव किया तारा की घाव घाव देकर सकीना बहुत परेशान है फिर भी तारा सिंह ने उसे अपने घर लाते हैं और समय पर कहानी में एक बड़ा फ्लैशबैक होता है जिसमें तारा और सकीना के कॉलेज के दिनों के रिश्ते को दिखाया गया है फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षी सिंगर बनने की है कॉलेज की कुछ लड़कियां, जो सकीना को मूर्ख तारा की दोस्त हैं ये सोचती हैं कि उन्होंने उसे एक एहसान के बदले में एक म्यूजिक शो में जगह दिलवाई है सकीना द्वारा चित्रित संगीत शिक्षक के सामने तारा खराब प्रदर्शन करता है उसका दोस्त तब उसे टैबलेट देता है जो उसे अपने गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है इसके तुरंत बाद यह दिखाया गया है कि सकीना असली संगीत शिक्षक नहीं है जो उसे दुखी करती है म्यूजिक शो में प्रदर्शन करते समय सकीना ने घोषणा की कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगी इसके बजाय कॉलेज में सीनियर्स की मर्जी के खिलाफ होने के बावजूद तारा को गाने का मौका देगी तारा अपने टैलेंट से सभी को प्रभावित करता है फाइनल ईयर पूरा कर घर लौट रहे होते हैं तारा सिंह द्वारा ताजमहल प्राचीन बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों को पाकिस्तान में रोते देखा गया है क्योंकि वे अमृतसर नहीं लौटे विभाजन से पहले तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से बेटों की तरह प्यार करते थे लेकिन तारा के माता पिता और बहनी इससे सहमत नहीं हैं वे अनिच्छा से छोड़ने का फ़ैसला करते हैं स्टेशन जाते समय तारा के पिता और माँ अपनी बेटियों को कागज के दो पाउच देते हुए हतप्रभ जुड़वा उनसे पूछते हैं कि वह क्या हैं पिता कहते हैं कि बहनों को अपनी जान देने में संकोच नहीं करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान हमला करके उन्हें और उनकी गरिमा को चकनाचूर कर दे फिर परिवार रेलवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थियों वाली ट्रेन पर हमला कर देती है लोग खुद को बचाने के लिए दौड़े लेकिन वह भीषण रूप से मारे गए हैं तारक की बहन झट से जहर खाने की कोशिश करती है लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथ में फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार डालते हैं हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी ट्रेनें अभी अभी पूर्वी पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर आई हैं स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए इंतज़ार कर रहे अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ तारा ने देखा कि ट्रेन के अंदर उनके रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई है इसे देखकर हिंदुओं और सिखों ने पूर्वी पंजाब में एक मजबूत दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ उसी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन में पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे हर मुसलमान का नरसंहार किया इसके बाद और वर्तमान में वापस वह तारा के घर पहुँचे वह बताते हैं कि उनके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था और वह उनके घर पर सुरक्षित हैं साथ ही वो समझाता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वह तेजस्वी और अमीर है अपने माता पिता के निधन के बारे में स्थानीय रेलवे स्टेशन से जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है तारा के परिवार के प्रति समाज की प्रतिक्रिया के बारे में तारा की चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद वो एक मुस्लिम उनके अनुसार बहिष्कृत रख रही है और वो तारा से आग्रह करती है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो अब उस पर हावी नहीं होना चाहती है तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना जोर देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी पढ़कर उसके लिए उसके प्यार के बारे में जान लिया है लेकिन ऐसा नहीं करती है कुछ भी मत कहो सीमा पर पहुंचने और उसके प्रति अपने प्यार को महसूस करने के बाद वो उससे शादी के लिए प्रपोज करती है और वह एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जीते नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं उनका जीवन गुलाब के बिस्तर जैसा लगता है जब तक सकीना एक पुराने अखबार को नहीं देखती होली का त्यौहार जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं और उसके पिता अब लाहौर के मेयर भी हैं जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से बुलाती है तो वो उसे लाहौर से ले जाने की व्यवस्था करती हैं हालांकि तारा और उनके बेटे जो उस उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं को अंतिम समय पर बताया जाता है कि उनकी वीजा औपचारिकताएँ पूरी नहीं हुई हैं जो भारत में रहने के लिए मजबूर करती हैं सकीना भारी मन से विदा होती है और वो लाहौर में अपने पूरे खानदान से मिलती है उसे देखकर हर कोई रोमांचित हो जाता है बाद में जब वो भारत लौटना चाहती है तो उसकी मां ने उसे बताया कि वो परित्याग करने वाली थी क्योंकि लोग उसके एक भारतीय जाट के साथ रहने के बारे में बात कर रहे थे उसके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनकी सभी कठिनाइयों से संबंधित हैं सकीना आहत और दिल टूट गई है लेकिन वो तब विरोध करना शुरू कर देती है जब उसके पिता के दोस्त उसकी शादी के बाद के जीवन को प्रचार रंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो पाकिस्तानी आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए अपने ससुराल वालों को बुरी तरह से चित्रित करते हैं और बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के से होता है जो एक बहुत ही प्रभावशाली अमीर है और उसे बताया जाता है कि वह उससे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और काजी साहब से कहती है कि पति के जीते जी दूसरा विवाह करना पाप है उसके माता पिता और मामा जी इस बात से नाराज़ हैं कि वह उसे जबरन महल के अंदर एक कमरे में बंद कर देते हैं यह जानने के बाद कि उन्हें बीजा नहीं मिलेगा तारा सिंह और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और तारा अपने पुराने दोस्त के घर मिस्रण लेने की कोशिश करता है लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है और वो अपने बेटे जीत और उसके सहायक के साथ वह वहाँ से चला जाता है वहाँ उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी हो रही है और शादी होने से पहले वो ही उसके पास पहुंच जाते हैं माँ और बेटा खुशी से मिले जब पुजारी उन्हें रोकता है तो लड़ाई छिड़ने वाली होती है क्योंकि इसमें सकीना के पिता के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंच सकता है अशरफ अली दो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इस्लाम में परिवर्तित होना चाहिए इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जो अशरफ अली की योजनाओं के ख़िलाफ़ था वो तारा को अपने देश का अपमान करवाता है और यह कहकर साबित करने के लिए वो एक सच्चा पाकिस्तानी है जो उसे गुस्सा दिलाता है और इससे वो उस बड़ी भीड़ के किसी सदस्य को वह मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए भाड़े पर लिया था तारा सकीना उनका बेटा एक दोस्त के साथ भागने में सफल रहते हैं तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं लेकिन उस आदमी की पत्नी एक लालची औरत है और जो अपने लिए सकीना के सारे गहने चाहती है वो अपने पति को बात मानने से इनकार कर देती है और अधिक गहने न मिलने से सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन सकीना के जीत और तारक के साथ चले जाने के बाद अशरफ अली कुटिया में पहुंचता है और अपनी बेटी को कहीं और ले जाता है उथल पुथल की लंबी अवधि के बाद वे भारत के लिए बाद एक कपास मिल ट्रेन पकड़ते हैं अशरफ अली को पता चलता है कि और वो उन्हें रोकने के लिए कुछ आदमियों को ले जाता है आगामी लड़ाई के लिए सकीना को उसके अपने पिता ने गोली मार दी है अस्पताल में सकीना कोमा में चली गई है और दुष्प्रभाव होने के बाद वो होश में आती है फिल्म अशरफ अली द्वारा तारा को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के साथ समाप्त होती है और वे भारत लौट आते हैं तो फैंस आइए चलते हैं जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो सनी देवल तारा सिंह के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं और अमीषा पटेल सक्सेना शक्खू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं और अमरीशपुरी मेर अशरफ अली सकीना के पिता और तारा सिंह के ससुर के रूप में हैं लिटिल दुबे सवाना अली सकीना की मां और तारा सिंह की सास के रूप में हैं और दरमियान सिंह तारा सिंह के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में विवेक शौक हैं और उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह तारा सिंह और सक्सेना के बेटे के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं सुरेश ओब्राय हैं और मधुमलती गुरजीत सिंह तारा सिंह की एक बड़ी बुआ के रूप में हैं और संदीप सिंह तारा सिंह के पिता के रूप में प्रमोद माथो हैं और परमीत सिंह तारा सिंह की मां के रूप में कनका शिवपुरी हैं और मुश्ताक खान गुल राज खान के रूप में हैं और डोलीविंद्रा के रूप में हैं एहसान खान अब्दुल के रूप में हैं और शमर जय सिंह सलीम अली के रूप में हैं और ज्ञान प्रकाश वाली मोहम्मद के रूप में हैं विक्रांत चतुर्वेदी सलीम के कलीम के रूप में हैं और राकेश वेदी चंद्रकांत बैद के रूप में हैं और विश्वजीत प्रधान डोंगरा सुलेमान के रूप में हैं और इशारत अली परिवार के काजी के रूप में हैं और इदरीसी के रूप में मिथिलेश चतुर्वेदी जंग डेली न्यूज़पेपर के संपादक हैं बी एन शर्मा इकबाल के रूप में दिल्ली में पाकिस्तान उच्च वाणिज्य दूतावास के अधिकारी हैं और लालची महिला के रूप में प्रतिमा काजमी हैं और बानू के रूप में अमिताभ खोपर हैं और संतोष गुप्ता चंदा के रूप में हैं भारतीय सेना अधिकारी के रूप में अभय भार्गव हैं और श्वेता सिंधे सकीना मित्र गर्ल बोर्डिंग हॉस्टल के रूप में हैं और कथावाचक के रूप में ओमपुरी हैं गदर का एक हिस्सा एक प्रेम कथा की शूटिंग बिशप काटन स्कूल शिमला और शिमला के अन्य कई क्षेत्रों में की गई थी इसका एक हिस्सा सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में भी शूट किया गया था हालांकि यह फिल्म उन्नीस में ही में सेट की गई थी इसमें क्यू सेरा सेरा का संगीत है जो पहली बार उन्नीस में प्रकाशित हुआ था और फिल्म की शूटिंग लखनऊ और रुदौली उत्तर प्रदेश शहर में भी की गई थी जहां शहर को लाहौर पाकिस्तान के रूप में चित्रित किया गया था और कुछ हिस्सों को मार्टिनर और बॉयज स्कूल लखनऊ में शूट किया गया था कुछ हिस्सों की शूटिंग इरसाद मंजिल पहले रुदौली उत्तर प्रदेश में की गई थी विभाजनग्रस्त देश को चित्रित करने के लिए पठानकोट सरना और अमृतसर में एक महत्वपूर्ण भाग की शूटिंग की गई थी तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानते हैं कि इस फिल्म को कैसी कैसी समीक्षाएँ मिली और कैसा सम्मान मिला है तो रेडफी की रुचि शर्मा ने कहा है कि गदर एक प्रेम कथा शानदार होने के करीब है भले ही यह बिट्स में ज़्यादा गर्म है इसे याद नहीं करना चाहिए फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने कहा है कि कुल मिलाकर गदर अपने शानदार नाटकी और टकराव के दृश्यों और शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाले क्षणों के लिए देखने लायक है जो फिल्म को दो खामियों पर हावी है दूसरे हाफ में कम से कम पंद्रह मिनट कम कर दिए गए हैं और एक कमजोर संगीत स्कोर है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में गदर एक प्रेम कथा ने अपनी शुरुआती थिएटर रन में 1.33 मिलियन यूएस 17 मिलियन डॉलर का संग्रह किया था और फोर मिलियन यू एस मिलियन डॉलर का कमाई की थी और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा आल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था गदर एक प्रेम उन्नीस 1990 के दशक के बाद ये सबसे ज्यादा दर्शकों की संख्या तीन भारतीय फिल्मों में शुमार है यूनाइटेड किंगडम में गदर एक प्रेम कथा ने लगभग दो हजार की कमाई की थी गदर एक प्रेम कथा का संगीत उत्तम सिंह ने तैयार किया था और गीत सभी गाने आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे भारतीय वेबसाइट पर बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार साउंड ट्रैक की लगभग 2.5 मिलियन प्रतियां भी की हैं पंद्रह अक्टूबर 2021 को गदर टू द कथा कंटिन्यूज नामक सीक्वल की घोषणा की गई है जिसमें सनी देवल अमीषा पटेल और उत्कर शर्मा ने मुख्य भूमिकाओं में एक मोशन पोस्टर जारी किया है फिल्म के सीक्वल का निर्देशन अनिल शर्मा ही करेंगे और जी स्टूडियोज फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जिस फिल्म को दो में रिलीज होने वाली फिल्म है तो फ्रेंड्स रुला देगी गदर फिल्म की असली कहानी 2001 में आई सनी देवल और अमीशा पटेल अभिनीत गदर एक प्रेम कथा लगभग सभी ने देखी होगी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कम्यूनल राइट्स फैले हुए हैं मजहब के आधार पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं इस बीच रेलवे स्टेशन पर सकीना यानी कि अमीशा पटेल का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं सकीना डरी सहमी भागती हुई तारा सिंह यानी कि सनी देवल से टकराती है तारा सिंह उसे दंगाइयों से बचाकर अपने घर पर पनाह देता है और बाद में दोनों की शादी हो जाती है दोनों के एक लड़का भी होता है इस बीच सकीना के पिता अशरफ अली अमरीशपुरी का पता चल जाता है कि अशरफ अली पाकिस्तान में होते हुए और सकीना को भी वहां बुला लिया जाता है लेकिन लाख के बावजूद सकीना के पति तारा सिंह को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाता है थक हार तारा सिंह चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंच जाता है लेकिन वहां उनके परिवार वाले उसे भेजने से मना कर देते हैं काफ़ी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आता है तो ये हुई फिल्म की बात लेकिन असल जिंदगी में क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाता है बाद में तारा सिंह का क्या होता है आज तारा सिंह के परिवार वाले कहाँ हैं ये वो सवाल हैं जिसने जानने से आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ेगी तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी को जानते हैं क्योंकि हर बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बेहद दर्दनाक अंत होता है तो गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है पंद्रह अगस्त उन्नीस को देश आज़ाद हो चुका था और अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बन चुके हैं विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है सितंबर उन्नीस की शाम का वक्त है वर्मा में माउंट बेटन की फौज के लिए लड़ चुका पचपन साल का एक सिख बूटा सिंह अपने खेत में कुछ काम कर रहा होता है तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं वो लड़की भागती हुई बूटा सिंह के कदमों में गिर कर जान बचाने की गुहार लगाती है बूटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है लेकिन नौजवान इसके बदले में उसे पैसे मांग करते हैं आखिरकार पंद्रह सौ रुपये में सौदा पक्का हुआ और लड़की पचपन साल के कुमारे बूटा सिंह को मिल गई हालांकि पंद्रह सौ रुपये की ये रकम उस जमाने के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी क्योंकि सितंबर उन्नीस में दस ग्राम सोने की कीमत करीब नवासी रुपये थी मतलब पंद्रह सौ रुपये में उस समय एक सौ अड़सठ ग्राम से ज़्यादा यानी कि करीब सत्रह तोला सोना मिल जाता आज यानी मई 2020 की बात करें तो यह सोने की कीमत 10 ग्राम सोने की कीमत करीब छियालीस हज़ार पाँच सौ रुपये है और उस हिसाब से तब का नवासी रुपया आज छियालीस हज़ार पाँच सौ के बराबर हो गया है मतलब तब का पंद्रह सौ रुपया आज का सात लाख बयासी हज़ार के बराबर हो गया है तो इस हिसाब से किताब को छोड़कर अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं दरअसल जिस लड़की को बूटा सिंह ने खरीदा था वो सत्रह साल की जैनब थी उससे उम्र में अड़तीस साल छोटी जैनब राजस्थान के एक छोटे से किसान की बेटी थी बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वह उनसे बिछड़ गई थी अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा कि बूटा सिंह के प्रेम के ने जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे दी 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बूटा सिंह और जैनब की शादी हो गई थी कुछ दिन के बाद समय बीत गया और बूटा सिंह को एक और खुशी मिली जैनब ने बूटा सिंह की एक बेटी को जन्म दिया अब बूटा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन देर तक रहने वाली नहीं थी क्योंकि दुखों का अब एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला है बूटा सिंह की खुशियों पर किसी की नज़र लग गई थी दरअसल शादी के ग्यारह महीने बाद बूटा सिंह को बेटी हुई जिसका नाम उसने तनवीर रखा था लेकिन बूटा सिंह की जायदाद पर नज़र गड़ाए बैठे उसके भतीजे को ये बात कहाँ रास आने वाली थी उसका कोई वारिस आ गया और वे बेचारे उसकी जायदाद से बेदखल हो जाएंगे फिर क्या था जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप में दे दी गई थी दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिसमें पाकिस्तान से आए परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लग गई और वे एक दिन बूटा सिंह के घर आ धमके काफ़ी मेहनतों के बाद अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए रिफ्यूजी कैंप में जैनब और बूटा सिंह की आखिरी मुलाकात हुई थी जैनब करीब छः महीने रिफ्यूजी कैंप में रही इस दौरान बूटा सिंह रोज़ उससे मिलने जाता सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे और आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे की साथ कभी ना छोड़ने का कसम खाते थे और इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल जाता है और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी जाती है पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे के गले लगे जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उससे और अपनी बेटी से मिलने आएगी इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला प्यार को पाने के लिए बदला धर्म अधिकारियों के बेरुखी से परेशान बूटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमान ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी पत्नी के लिए तोड़ी सरहद की दीवार जब पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उसकी वीज़ा को अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी पाँच साल की बेटी तनवीर जिसका नाम अब सुल्तान हो गया है पाकिस्तान पहुंच गया लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए बूटा सिंह की जैनब अब किसी और की हो चुकी थी दरअसल पाकिस्तान पहुंचे ही जैनब की शादी उसके रिश्तेदार के एक भाई के साथ करा दी गई थी बूटा सिंह वहां बहुत रोया और गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए लेकिन जैनब के परिवार वालों ने उसे मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था जब जैनब ने इसे इनकार कर दिया और बूटा सिंह को अंदर तक तोड़ दिया पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में बूटा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने जैनब से पूछने की इजाज़त दे दी अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जैनब की ओर थीं तो दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जैन सैलाब के परिजनों की दहकती आंखें जैनब को घूर रही थी तभी सन्नाटे की चीखती हुई जज की आवाज़ आई जैनब इस आदमी को जानती हो जैनब ने जवाब दिया ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है अब फिर जज ने जैनब से पूछा क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी अब एक बार फिर कोर्ट के रूप में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया अगले ही पल कप कपाती हुई आवाज़ आई ये आवाज़ जैनब की थी जिसने बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया इसी तरह शायद किसी मजबूरी में जैनब की ने बेटी को साथ रखने से मना कर दिया बूटा की आंखों से आंसू की तेज धारा बह निकली उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर निकल गया बूटा सिंह की जिंदगी का दर्दनाक अंत तब शुरू होता है तारीख 19 फरवरी उन्नीस बुरी तरह से टूट चुका था बूटा सिंह उस पूरी रात दाता गंगा बक्स की मज़ार ये मज़ार लाहौर में है पर पूरी रात बैठकर रोता रहा फिर बेटी को नई जूतियाँ और कपड़े खरीदवाए और लाहौर के ही लाहौर के ही शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुँच गया स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता है कि वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी बूटा सिंह ने प्यार से अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया अगले ही पल कान के पर्दे को फाड़ती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी बूटा सिंह अब प्लेटफार्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लेकर इंजन के आगे छलांग लगा दी इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई और कुछ सेकंड में ही उसके चीतड़े उड़ चुके थे लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी बेटी को एक खरोज तक नहीं आई और वो जिंदा बच गई थी बूटा सिंह के पास से मिला वो पत्र जो आपको भावुक कर देगा बूटा सिंह के सौ के पास एक खत मिला जो उसने अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था कि उस पत्र में लिखा था मेरी जैनब तुमने भीड़ की आवाज़ सुनी लेकिन वो आवाज़ कभी सच्ची नहीं होती फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं, मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना बूटा सिंह की आत्महत्या से पाकिस्तान में भी सहानुभूति की लहर दौड़ गई बूटा सिंह की आत्महत्या और उसके खत की जानकारी जब अखबारों की में बनी तो उसने धर्म के नाम पर अंधे हुए कई लोगों को अंदर तक झकझोर दिया धर्म के नाम पर धधक रहे समाज को बूटा सिंह की कुर्बानी ने थोड़ी ठंडक दी लेकिन ये बूटा सिंह की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए काफ़ी ही था बाईस फरवरी उन्नीस को का दिन था जब कुछ नौजवान बूटा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुर में घुसे लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जैनब के दूसरे पति ने बूटा सिंह की लाश को गांव में दफन नहीं करने दिया निराश युवक बूटा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और वहीं उसे मियाँ साहिब काब्रिस्तान में दफन कर दिया और उसकी कब्र को फूलों से ढेर से सजा दिया लेकिन इसकी खबर जब जैनब के दूसरे पति को लगी तो वो अपने आदमियों के साथ वहाँ भी आ धमका और बूटा सिंह की कब्र को खुदवा दिया लेकिन बूटा सिंह की मोहब्बत महज की दीवारों से कहीं ऊंची थी लिहाजा लाहौर के नवयुगों ने फिर बूटा सिंह को वहीं दफन कर दिया और अब की बार उसकी मज़ार को फूलों के और बड़े ढेर से सजा दिया था आज कहाँ है बूटा सिंह का परिवार बूटा सिंह की एक बेटी सुल्ताना को बाद में लाहौर हाईकोर्ट की बैरिस्टर राबिया सुल्तान ने गोद ले लिया था उसकी शादी लीबिया में एक इंजीनियर से हो गई थी जिसने सुल्तान को तीन बच्चे हुए हैं सिनेमा की तरफ लाइफ में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती सिल्वर स्क्रीन के की तरह जिंदगी के रंगमंच में नाटक का अंत हमेशा सुखद नहीं होता गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह को उसकी सकीना तो मिल गई लेकिन असल जिंदगी में बूटा सिंह को उसकी जैनब नहीं मिली और ना ही गदर के अशरफ अली अमरीशपुरी के तरह जैनब के घर वालों का कलेजा पसीजा तारा सिंह तो सकीना को लेकर खुशी खुशी हिंदुस्तान आ गया लेकिन बूटा सिंह की जिंदगी का लाहौर में खुद से दुखद अंत हुआ था बूटा सिंह की प्रेम कहानी को शायद सीरी फराद राजा रोमियो जूलियट सोनी माहिवाल जैसी लोकप्रियता नहीं मिली लेकिन उस दौर के युवाओं ने बूटा सिंह को शहीद ए मुहब्बत का नाम दिया बूटा सिंह पर 2001 में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक गदर एक प्रेम कथा बनाई जो कि सुपर डुपर हिट रही थी उससे पहले 1999 में शहीद ए मोहब्बत नाम से एक पंजाबी फिल्म भी बनी जिसमें गुरदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य किरदार में इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है और इसके अलावा इसरत रहमानी ने इस पर मोहब्बत नाम से एक नवले भी लिखी है गदर एक प्रेम कथा की एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है ये फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा अब म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली बाद में लड़की की सीख शिनाख्त तो होने पर उसे पाकिस्तान भेज दिया गया था बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान गए लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया और कहते हैं कि बूटा सिंह ने ए पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी उन्नीस साल पहले मल्टी स्क्रीन वाले सिनेमाई घर हुआ करते थे और ना ही इतनी सोच के जितने लोग भी किसी फिल्म को लेकर दिन ही देखना चाहें तो सबको टिकट मिल ही जाए तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह छः बजे से शुरू होगा पूरे दिन उस दिन उत्सव का माहौल था सनी देवल की दीवाने ढोल तासे लेकर ये फिल्म देखने पहुँचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी मैंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी पहले शिला थिएटर में लगान देखी और फिर वहाँ से भागकर कर पहुँचे पैलेस के प्लाजा सिनेमा घर में जहाँ हमारी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हाल के भीतर घुसने तक की जगह नहीं बची थी जैसे तैसे धक्का मुक्की करके हाल के भीतर पहुंचा तो वहां सिर्फ भीड़ दिख रही थी जितने लोगों को सीटें मिली थीं वे बैठे थे और उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई होगी लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था 15 जून 2001 को रिलीज़ हुई गदर एक प्रेम कथा ही हमारे आज के इस बाइस्कोप की फिल्म है फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतज़ार महीने भर पहले से कर रहे थे दिल्ली में गर्मियों में 19 साल पहले भी इतनी ही बेरहम हुआ करती थी कि एक दिन फिल्म वितरक गिन्नी चड्ढा का फ़ोन आया कि सनी देवल से शाम की मीटिंग फिक्स हुई और अब तक दिल्ली टाइम्स के लिए लिखने वाले पंकज कपूर के साथ सनी देवल की बहन के घर सैनिक फार्म हाउस पहुंचे वहां देर तक हम लोगों ने गदर को लेकर बातचीत की और मुझसे सनी बोले आपके मथुरा के अनिल शर्मा ही फिल्म के निर्देशक हैं फिल्म की कहानी का भी हल्का सा इशारा उन्होंने दिया लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था नहीं तो सनी देवल इसका भी जिक्र जरूर करके बातचीत करते जी हाँ कम लोगों को ही पता होगा कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है ये फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा और म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई और दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली बाद में लड़की की तो होने पर उसे नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया बिना जरूरी कागजात के लड़की पर घर वालों को दबाव पड़ा तो उसने भारत आने से मना कर दिया और ये कहते हुए बूटा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे अपनी कूद कर जान दे दी फिल्म गदर एक प्रेम कथा का विचार सबसे पहले इसके लेखक शक्तिमान को आया था शक्तिमान ने ही बूटा सिंह की प्रेम कथा अनिल शर्मा को सुनाई अनिल शर्मा उन दिनों कोई ऐसी कहानी तलाश रहे थे जिसमें देश प्रेम तो हो ही लेकिन वो मनोज कुमार जैसी फिल्म ना हो कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई ये कहानी अनिल शर्मा ने मुंबई में ही पढ़ाई के बाद निर्देशक बी आर चोपड़ा के सहायक के रूप में बरसों से काम किया और शुरुआत दिनों में भी उन्होंने श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागे के रूप में सोशल मीडिया ड्रामा ही बनाई लेकिन उनको एक्शन का चस्का लगा धर्मेंद्र की की फिल्म हुकूमत हुकूमत से जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप बदल दिया इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलान जंग फरिश्ते तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा था अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म माँ बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा गोविंदा को ही अनिल शर्मा ने सबसे पहले शक्तिमान की कहानी सुनाई थी गोविंदा को पसंद भी बहुत आई लेकिन फिल्म में पैसा लगाने वाली कंपनी को गोविंदा इस फिल्म की कहानी के हिसाब से फिट नहीं लगे ये हुआ कि इसके लिए सनी देओल से बात की जाए और अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने एक कहानी सुनी थी सनी देवल बताते हैं कि ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी अनिल शर्मा जी कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थीं कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमाया यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देवल ने इस तरह फिल्म का क्लाइमेक्स बदल दिया कि सनी देवल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी यह थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा तो हमने इस फिल्म को सुखांत रखने का फ़ैसला किया था फिल्म की गदर की पूरी मेकिंग पाकिस्तान की उस वक्त की इमेज को ध्यान में रखकर की गई थी सनी देओल को किरदार तारा सिंह और इसके संवाद इतने ज़्यादा मशहूर हुए कि लोग सनी देओल को इसी तरह के गुरसेल किरदार में ही देखना चाहेंगे खुद सनी देओल कहते हैं कि फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियों भर गई थी इस फिल्म से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि खुद मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी लेकिन इसके लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही हो या आसपास का था लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा उसने मेरी एक अलग छवि बना डाली इस छवि से बाहर निकले मैं मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी लेकिन आखिरकार मैंने ये करने में कामयाबी पाई और फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है अब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है और ये भी बताएंगे कि ये मूवी हिट हुई थी या फ्लॉप और इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस मूवी ने कितना कारोबार किया था और यह मूवी कितने बजट पर बनी थी तो गदर एक प्रेम कथा है यह अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित उन्नीस में भारत के विभाजन के दौरान सेट की एक 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें बूटा सिंह के जीवन पर आधारित है जिसमें सिंह द्वारा निर्देशित फिल्मी अमरीशपुरी और लिटिल दुबे के साथ सनी देवल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं और शर्मा का पुत्र उत्कर्ष शर्मा एक बाल कलाकार के रूप में देवल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाते हुए एक वयश्य के रूप में अपनी पहली फिल्म से पहले और एक शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका निभाई जिन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडियंस दिया था तो फैंस आइए जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अनिल शर्मा और इस फिल्म की कहानी लिखी है शक्तिमान तलवार ने और इस फिल्म को निर्मित किया है नितिन केनी और इस फिल्म को अभिनीत करने वाले हैं सनी देवल अमीषा पटेल अमरीश पुरी और लिटिल दुबे हैं और इस फिल्म का छायांकन किया है नजीम खान ने और इस फिल्म को संपादित किया है ए डी धनशेखरन ने केशव नायडू और अरुण बी नावेरकर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है उत्तम सिंह ने प्रोडक्शन कंपनी है सी टेली फिल्म्स और इसको वितरित करने वाले हैं सी टेली फिल्म्स ने तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि यह मूवी कब रिलीज हुई थी तो यह मूवी पंद्रह जून दो हज़ार एक को रिलीज हुई थी देश भारत भाषा हिंदी अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था एक सौ नब्बे मिलियन का और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया था वन मिलियन का तो गदर एक प्रेम कथा लगभग 190 मिलियन यूएस फोर पॉइंट जीरो थ्री मिलियन का बजट है और गदर एक प्रेम कथा को पंद्रह जून दो हज़ार एक को आशुतोष गौरकर की स्पोर्ट ड्रामा लगान के साथ वैश्विक सिनेमा में रिलीज किया गया था जिसे मिश्रित समीक्षाएँ प्राप्त करने के बावजूद इसने भारत में युद्ध रूप से सात सौ अड़सठ पॉइंट आठ मिलियन यू एस सोलह पॉइंट मिलियन डॉलर और दुनिया भर में वन पॉइंट तैंतीस मिलियन यू एस 28.19 पॉइंट उन्नीस मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी और पाँच मिलियन यूएस एस ग्यारह पॉइंट सत्तावन मिलियन डॉलर के वितरक शेयर के साथ और हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी और सन उन्नीस में गदर एक प्रेम का था उन्नीस के दशक के बाद भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसने भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की है और बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार में इसकी समायोजित सकल राशि फोर पॉइंट छियासी मिलियन यूएस एक सौ तीन मिलियन डॉलर है और सनी देवल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई है जिसमें उन्हें सैंतालीसवें फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला है जबकि पाटिल ने फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया है और 2014 तक यह भारत के विभाजन पर बॉलीवुड की अवश्य देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की कहानी शुरू होती है भारत के विभाजन कि कि दौरान फिल्म एक ड्राइवर यानि तारा सिंह सनी देवल एक सिख की कहानी बताते हैं जिससे एक मुस्लिम लड़की सकीना यानी कि सकू अली अमीशा पटेल से प्यार हो जाता है जो कुलीन परिवार कहानी पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में रेलवे स्टेशन से भारत आने के दौरान पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला किए जाने के साथ शुरू होती है जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान में पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं विभाजन के तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई है फिर भी वो रेलवे स्टेशन पर सकीना को उसके हाथों में छोटे ताजमहल पहचान कर रुक जाते हैं और वह उसे एक जानलेवा भीड़ का पीछा करते हुए बचाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि वो भीड़ भी 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 में खो जाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रही है जैसे ही भीड़ ने उसके साथ बलात्कार और उसकी बेरहमी से हत्या करने का प्रयास किया था तारा सिंह ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके माथे पर खून से सिंदूर लगाते हुए लगाकर उसका बचाव किया तारा की घाव घाव देकर सकीना बहुत परेशान है फिर भी तारा सिंह ने उसे अपने घर लाते हैं और समय पर कहानी में एक बड़ा फ्लैशबैक होता है जिसमें तारा और सकीना के कॉलेज के दिनों के रिश्ते को दिखाया गया है फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षी सिंगर बनने की है कॉलेज की कुछ लड़कियां जो सकीना मूर्ख तारा की दोस्त हैं यह सोचती हैं कि उन्होंने उसे एक एहसान के बदले में एक म्यूजिक शो में जगह दिलवाई है सकीना द्वारा चित्रित संगीत शिक्षक के सामने तारा खराब प्रदर्शन करता है उसका दोस्त तब उसे टैबलेट देता है जो उसे अपने गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है इसके तुरंत बाद यह दिखाया गया है कि सकीना असली संगीत शिक्षक नहीं है जो उसे दुखी करती है म्यूजिक शो में प्रदर्शन करते समय सकीना ने घोषणा की कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगी इसके बजाय कॉलेज में सीनियर्स की मर्जी के खिलाफ होने के बावजूद तारा को गाने का मौका देगी तारा अपने टैलेंट से सभी को प्रभावित करता है फाइनल ईयर पूरा कर घर लौट रहे होते हैं तारा सिंह द्वारा ताजमहल प्राचीन बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों को पाकिस्तान में रोते देखा गया है क्योंकि वे अमृतसर नहीं लौटे विभाजन से पहले तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से बेटू की तरह प्यार करते थे लेकिन तारा के माता पिता और बहनी इससे सहमत नहीं हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं स्टेशन जाते समय तारा के पिता और माँ अपनी बेटियों को कागज़ के दो पाउच देते हुए हत प्रभ जुड़वा उनसे पूछते हैं कि वह क्या हैं पिता कहते हैं कि बहनों को अपनी जान देने में संकोच नहीं करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान हमला करके उन्हें और उनकी गरिमा को चकनाचूर कर दे फिर परिवार रेलवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थियों वाली ट्रेन पर हमला कर देती है लोग खुद को बचाने के लिए दौड़े लेकिन वे भीषण रूप से मारे गए हैं तारक की बहन झट से जहर खाने की कोशिश करती है लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथ में फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार डालते हैं हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी ट्रेनें अभी अभी पूर्वी पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर आई हैं स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए इंतज़ार कर रहे अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ तारा ने देखा कि ट्रेन के अंदर उनके रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई है इसे देखकर हिंदुओं और सिखों ने पूर्वी पंजाब में एक मजबूत दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ उसी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन में पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे हर मुसलमान का नरसंहार किया इसके बाद और वर्तमान में वापस वे तारा के घर पहुँचे वह बताते हैं कि उनके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था और वह उनके घर पर सुरक्षित हैं साथ ही वो समझाता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वह तेजस्वी और अमीर है अपने माता पिता के निधन के बारे में स्थानीय रेलवे स्टेशन से जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है तारा के परिवार के प्रति समाज की प्रतिक्रिया के बारे में तारा की चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद वो एक मुस्लिम उनके अनुसार बहिष्कृत रख रही है और वो तारा से आग्रह करती है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो अब उस पर हावी नहीं होना चाहती है तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना जोर देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी पढ़कर उसके लिए उसके प्यार के बारे में जान लिया है लेकिन ऐसा नहीं करती है कुछ भी मत कहो सीमा पर पहुंचने और उसके प्रति अपने प्यार को महसूस करने के बाद वो उससे शादी के लिए प्रपोज करती है और वे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जीते नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं उनका जीवन गुलाब के बिस्तर जैसा लगता है जब तक सकीना एक पुराने अखबार को नहीं देखती होली का त्यौहार जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीसपुरी की तस्वीर है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं और उसके पिता अब लाहौर के मेयर भी हैं जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से बुलाती है तो वो उसे लाहौर से ले जाने की व्यवस्था करती हैं हालांकि तारा और उनके बेटे जो उस उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं को अंतिम समय पर बताया जाता है कि उनकी बीजा औपचारिकताएँ पूरी नहीं हुई हैं जो भारत में रहने के लिए मजबूर करती हैं सकीना भारी मन से विदा होती है और वो लाहौर में अपने पूरे खानदान से मिलती है उसे देखकर हर कोई रोमांचित हो जाता है बाद में जब वो भारत लौटना चाहती है तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो परित्याग करने वाली थी क्योंकि लोग उसके एक भारतीय जाट के साथ रहने के बारे में बात कर रहे थे उसके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनकी सभी कठिनाइयों से संबंधित हैं सकीना आहत और दिल टूट गई है लेकिन वो तब विरोध करना शुरू कर देती है जब उसके पिता के दोस्त उसकी शादी के बाद के जीवन को प्रचार रंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वह पाकिस्तानी आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए अपने ससुराल वालों को बुरी तरह से चित्रित करते हैं और बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के से होता है जो एक बहुत ही प्रभावशाली अमीर है और उसे बताया जाता है कि वह उससे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और काजी साहब से कहती है कि पति के जीते जी दूसरा विवाह करना पाप है उसके माता पिता और मामा जी इस बात से नाराज़ हैं कि वह उसे जबरन महल के अंदर एक कमरे में बंद कर देते हैं यह जानने के बाद कि उन्हें बीजा नहीं मिलेगा तारा सिंह और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और तारा अपने पुराने दोस्त के घर मिसरण लेने की कोशिश करता है लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है और वो अपने बेटे जीत और उसके सहायक के साथ वह वहाँ से चला जाता है वहाँ उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी हो रही है और शादी होने से पहले वो ही उसके पास पहुँच जाते हैं माँ और बेटा खुशी से मिले जब पुजारी उन्हें रोकता है तो लड़ाई छिड़ने वाली होती है क्योंकि इसमें सकीना के पिता के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंच सकता है अशरफ अली दो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इस्लाम में परिवर्तित होना चाहिए इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जो अशरफ अली की योजनाओं के ख़िलाफ़ था वो तारा को अपने देश का अपमान करवाता है और यह कह कहकर साबित करने के लिए वो एक सच्चा पाकिस्तानी है जो उसे गुस्सा दिलाता है और इससे वह उस बड़ी भीड़ के किसी सदस्य को वह मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए भाड़े पर लिया था तारा सकीना उनका बेटा एक दोस्त के साथ भागने में सफल रहते हैं तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं लेकिन उस आदमी की पत्नी एक लालची औरत है और जो अपने लिए सकीना के सारे गहने चाहती है वो अपने पति को बात मानने से इनकार कर देती है और अधिक गहने ना मिलने से सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन सकीना के जीत और तारक के साथ चले जाने के बाद अशरफ अली कुटिया में पहुंचता है और अपनी बेटी को कहीं और ले जाता है उथल पुथल की लंबी अवधि के बाद वे भारत के लिए बाद एक कपास मिल ट्रेन पकड़ते हैं अशरफ अली को पता चलता है कि और वो उन्हें रोकने के लिए कुछ आदमियों को ले जाता है आगामी लड़ाई के लिए सकीना को उसके अपने पिता ने गोली मार दी है अस्पताल में सकीना कोमा में चली गई है और दुष्प्रभाव होने के बाद वो होश में आती है फिल्म अशरफ अली द्वारा तारा को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के साथ समाप्त होती है और वे भारत लौट आते हैं तो फैंस आइए चलते हैं जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो सनी देवल तारा सिंह के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं और अमीशा पटेल सक्सेना शक्खू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं और अमरीशपुरी मेर अशरफ अली सकीना के पिता और तारा सिंह के ससुर के रूप में हैं लिटिल दुबे सबाना अली सकीना की मां और तारा सिंह की सास के रूप में हैं और दरमियान सिंह तारा सिंह के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में विवेक शौक हैं और उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह तारा सिंह और सक्सेना के बेटे के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं सुरेश ओब्राय हैं और मधुमलती गुरजीत सिंह तारा सिंह की एक बड़ी बुआ के रूप में हैं और संदीप सिंह तारा सिंह के पिता के रूप में प्रमोद माथो हैं और परमीत सिंह तारा सिंह की मां के रूप में कनका शिवपुरी हैं और मुश्ताक खान गुल राज खान रूप के रूप में हैं और डोलीविंद्रा के रूप में हैं एहसान खान अब्दुल अली के रूप में हैं और शमर जय सिंह सलीम अली के रूप में हैं और ज्ञान प्रकाश वाली मोहम्मद के रूप में हैं विक्रांत चतुर्वेदी सलीम के कलीम के रूप में हैं और राकेश वेदी चंद्रकांत बैद के रूप में हैं और विश्वजीत प्रधान डोंगरा सुलेमान के रूप में हैं और इशारत अली परिवार के काजी के रूप में हैं और इदरीसी के रूप में मिथिलेश चतुर्वेदी जंग डेली न्यूज़पेपर के संपादक हैं बी एन शर्मा इकबाल के रूप में दिल्ली में पाकिस्तान उच्च वाणिज्य दूतावास के अधिकारी हैं और लालची महिला के रूप में प्रतिमा काजमी हैं और बानू के रूप में अमिता खोपर हैं और संतोष गुप्ता चंदा के रूप में हैं भारतीय सेना अधिकारी के रूप में अभय भार्गव हैं और श्वेता सिंधे सकीना मित्र गर्ल बोर्डिंग हॉस्टल के रूप में हैं और कथावाचक के रूप में ओमपुरी हैं गदर का एक हिस्सा एक प्रेम कथा की शूटिंग बिशप काटन स्कूल शिमला और शिमला के अन्य कई क्षेत्रों में की गई थी इसका एक हिस्सा सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में भी शूट किया गया था हालांकि यह फिल्म उन्नीस में सेट की गई थी इसमें क्यू सेरा सेरा का संगीत है जो पहली बार 1956 में प्रकाशित हुआ था और फिल्म की शूटिंग लखनऊ और रुदौली उत्तर प्रदेश शहर में भी की गई थी जहां शहर को लाहौर पाकिस्तान के रूप में चित्रित किया गया था और कुछ हिस्सों को लामार्टिनर और बॉयज स्कूल लखनऊ में शूट किया गया था कुछ हिस्सों की शूटिंग इरसाद मंजिल पहले रुदौली उत्तर प्रदेश में की गई थी विभाजनग्रस्त देश को चित्रित करने के लिए पठानकोट सरना और अमृतसर में एक महत्वपूर्ण भाग की शूटिंग की गई थी तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानते हैं कि इस फिल्म को कैसी कैसी समीक्षाएँ मिली और कैसा सम्मान मिला है तो रेडफी डॉट कॉम की रुचि शर्मा ने कहा है कि गदर एक प्रेम कथा शानदार होने के करीब है भले ही यह बिट्स में ज़्यादा गर्म है इसे याद नहीं करना चाहिए फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने कहा है कि कुल मिलाकर गदर अपनी शानदार नाटकी और टकराव के दृश्यों और शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाले क्षणों के लिए देखने लायक है जो फिल्म को दो खामियों पर हावी है दूसरे हाफ में कम से कम पंद्रह मिनट कम कर दिए गए हैं और एक कमजोर संगीत स्कोर है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में गथर एक प्रेम कथा ने अपनी शुरुआती थिएटर रन में 1.33 मिलियन यूएस 17 सत्रह मिलियन डॉलर का संग्रह किया था और फोर मिलियन यूएस इकसठ मिलियन डॉलर का कमाई की थी और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा आल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था गदर एक प्रेम कथा 1990 के दशक के बाद ये सबसे ज्यादा दर्शकों की संख्या में तीन भारतीय फिल्मों में शुमार है यूनाइटेड किंगडम में गदर एक प्रेम कथा ने लगभग दो हजार की कमाई की थी गदर एक प्रेम कथा का, का संगीत उत्तम सिंह ने तैयार किया था और गीत सभी गाने आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे भारतीय वेबसाइट पर बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार साउंड ट्रेक की लगभग 2.5 मिलियन प्रतियां बिकी हैं 15 अक्टूबर 2021 को गदर टू द कथा कंटिन्यूज नामक सीक्वल की घोषणा की गई है जिसमें सनी देवल अमीषा पटेल और उत्कर शर्मा ने मुख्य भूमिकाओं में एक मोशन पोस्टर जारी किया है फिल्म के सीक्वल का निर्देशन अनिल शर्मा ही करेंगे और जी स्टूडियोज फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जिस फिल्म को दो में रिलीज होने वाली फिल्म है तो फ्रेंड्स रुला देगी गदर फिल्म की असली कहानी 2001 में आई सनी देवल और अमीशा पटेल अभिनीत गदर एक प्रेम कथा लगभग सभी ने देखी होगी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कम्यूनल राइट्स फैले हुए हैं मजहब के आधार पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं इस बीच रेलवे स्टेशन पर सकीना यानी कि अमीशा पटेल का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं सकीना डरी सहमी भागती हुई तारा सिंह यानी कि सनी देवल से टकराती है तारा सिंह उसे दंगाइयों से बचाकर अपने घर पर पनाह देता है और बाद में दोनों की शादी हो जाती है दोनों के एक लड़का भी होता है इस बीच सकीना के पिता अशरफ अली अमरीशपुरी का पता चल जाता है कि अशरफ अली पाकिस्तान में होते हुए और सकीना को भी वहां बुला लिया जाता है लेकिन लाख के बावजूद सकीना के पति तारा सिंह को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाता है थक हार तारा सिंह चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंच जाता है लेकिन वहां उनके परिवार वाले उसे भेजने से मना कर देते हैं काफ़ी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आता है तो ये हुई फिल्म की बात लेकिन असल जिंदगी में क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाता है बाद में तारा सिंह का क्या होता है आज तारा सिंह के परिवार वाले कहाँ हैं ये वो सवाल हैं जिसने जानने से आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ेगी तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी को जानते हैं क्योंकि हर बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बेहद दर्दनाक अंत होता है तो गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है 15 अगस्त उन्नीस को देश आज़ाद हो चुका था और अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बन चुके हैं विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है सितंबर उन्नीस की शाम का वक्त है वर्मा में माउंट बेटन की फौज के लिए लड़ चुका पचपन साल का एक सिख बूटा सिंह अपने खेत में कुछ काम कर रहा होता है तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं वो लड़की भागती हुई बूटा सिंह के कदमों में गिर कर जान बचाने की गुहार लगाती है बूटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है लेकिन नौजवान इसके बदले में उसे पैसे मांग करते हैं आखिरकार पंद्रह सौ रुपये में सौदा पक्का हुआ और लड़की पचपन साल के कुमारे बूटा सिंह को मिल गई हालांकि पंद्रह सौ रुपये की ये रकम उस जमाने के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी क्योंकि सितंबर उन्नीस में दस ग्राम सोने की कीमत करीब नवासी रुपये थी मतलब पंद्रह सौ रुपये में उस समय एक सौ अड़सठ ग्राम से ज़्यादा यानी कि करीब सत्रह तोला सोना मिल जाता आज यानी मई 2020 की बात करें तो यह सोने की कीमत 10 ग्राम सोने की कीमत करीब छियालीस हज़ार पाँच सौ रुपये है और उस हिसाब से तब का नवासी रुपया आज छियालीस हज़ार पाँच सौ के बराबर हो गया है मतलब तब का पंद्रह सौ रुपया आज का सात लाख बयासी हज़ार के बराबर हो गया है तो इस हिसाब से किताब को छोड़कर अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं दरअसल जिस लड़की को बूटा सिंह ने खरीदा था वो सत्रह साल की जैनब थी उससे उम्र में अड़तीस साल छोटी जैनब राजस्थान के एक छोटे से किसान की बेटी थी बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वह उनसे बिछड़ गई थी अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा कि बूटा सिंह के प्रेम के ने जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे दी 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बूटा सिंह और जैनब की शादी हो गई थी कुछ दिन के बाद समय बीत गया और बूटा सिंह को एक और खुशी मिली जैनब ने बूटा सिंह कि एक बेटी को जन्म दिया अब बूटा सिंह की वीरान ज़िंदगी में मानो सब कुछ था लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन देर तक रहने वाली नहीं थी क्योंकि दुखों का अब एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला है बूटा सिंह की खुशियों पर किसी की नज़र लग गई थी दरअसल शादी के ग्यारह महीने बाद बूटा सिंह को बेटी हुई जिसका नाम उसने तनवीर रखा था लेकिन बूटा सिंह की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे उसके भतीजे को ये बात कहाँ रास आने वाली थी उसका कोई वारिस आ गया और वे बेचारे उसकी जायदाद से बेदखल हो जाएंगे फिर क्या था जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप में दे दी गई थी दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिसमें पाकिस्तान से आए परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लग गई और वे एक दिन बूटा सिंह के घर आ धमके काफ़ी मिन्नतों के बाद अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए रिफ्यूजी कैंप में जैनब और बूटा सिंह की आखिरी मुलाकात हुई थी जैनब करीब छः महीने रिफ्यूजी कैंप में रही इस दौरान बूटा सिंह रोज़ उससे मिलने जाता सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे और आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे के साथ कभी ना छोड़ने का कसम खाते थे और इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल जाता है और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी जाती है पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे के गले लगे जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उससे और अपनी बेटी से मिलने आएगी इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला प्यार को पाने के लिए बदला धर्म अधिकारियों के बेरुखी से परेशान बूटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमान ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी पत्नी के लिए तोड़ी सरहद की दीवार जब पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उसकी वीजा को अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी पाँच साल की बेटी तनवीर जिसका नाम अब सुल्तान हो गया है उसे लेकर चोरी छिप पाकिस्तान पहुंच गया लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए बूटा सिंह की जैनब अब किसी और की हो चुकी थी दरअसल पाकिस्तान पहुंचे ही जैनब की शादी उसके रिश्तेदार के एक भाई के साथ करा दी गई थी बूटा सिंह वहाँ बहुत रोया और गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए लेकिन जैनब के परिवार वालों ने उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था जब जैनब ने इसे इनकार कर दिया और बूटा सिंह को अंदर तक तोड़ दिया पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में बूटा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने जैनब से पूछने की इजाज़त दे दी अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जैनब की ओर थी तो दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जन के परिजनों की दहकती आँखें जैनब को घूर रही थी तभी सन्नाटे की चीखती हुई जज की आवाज़ आई जैनब इस आदमी को जानती हो जैनब ने जवाब दिया ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है अब फिर जज ने जैनब से पूछा क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी अब एक बार फिर कोर्ट के रूप में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया अगले ही पल कपकपाती हुई आवाज़ आई ये आवाज़ जैनब की थी जिसने बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया इसी तरह शायद किसी मजबूरी में जैनब की ने बेटी को साथ रखने से मना कर दिया बूटा की आंखों से आंसू की तेज धारा बह निकली उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर निकल गया बूटा सिंह की ज़िंदगी का दर्दनाक अंत तब शुरू होता है तारीख 19 फरवरी उन्नीस बुरी तरह से टूट चुका था बूटा सिंह उस पूरी रात दाता गंगा बक्स की मज़ार ये मज़ार लाहौर में है पर पूरी रात बैठकर रोता रहा फिर बेटी को नई जूतियां और कपड़े ख़रीदवाए और लाहौर के ही लाहौर के ही शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता है कि वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी बूटा सिंह ने प्यार से अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया अगले ही पल कान के पर्दे को फाड़ती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी बूटा सिंह अब प्लेटफार्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लेकर इंजन के आगे छलांग लगा दी इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई और कुछ सेकंड में ही उसके चीथड़े उड़ चुके थे लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी बेटी को एक खरोज तक नहीं आई और वो जिंदा बच गई थी बूटा सिंह के पास से मिला वो पत्र जो आपको भावुक कर देगा बूटा सिंह के सौ के पास एक खत मिला जो उसने अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था कि उस पत्र में लिखा था मेरी जैनब तुमने भीड़ की आवाज़ सुनी लेकिन वो आवाज़ कभी सच्ची नहीं होती फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं, मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना बूटा सिंह की आत्महत्या से पाकिस्तान में भी सहानुभूति की लहर दौड़ गई बूटा सिंह की आत्महत्या और उसके खत की जानकारी जब अखबारों की में बनी तो उसने धर्म के नाम पर अंधे हुए कई लोगों को अंदर तक झकझोर दिया धर्म के नाम पर धधक रहे समाज को बूटा सिंह की कुर्बानी ने थोड़ी ठंडक दी लेकिन ये बूटा सिंह की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए काफ़ी ही था 22 फरवरी उन्नीस को का दिन था जब कुछ नौजवान बूटा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुर में घुसे लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जैनब के दूसरे पति ने बूटा सिंह की लाश को गांव में दफन नहीं करने दिया निराश युवक बूटा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और वहीं उसे मियाँ साहिब कब्रिस्तान में दफन कर दिया और उसकी कब्र को फूलों से ढेर से सजा दिया लेकिन इसकी खबर जब जैनब के दूसरे पति को लगी तो वो अपने आदमियों के साथ वहाँ भी आ धमका और बूटा सिंह की कब्र को खुदवा दिया लेकिन बूटा सिंह की मोहब्बत महज की दीवारों से कहीं ऊंची थी लिहाजा लाहौर के नवयुगों ने फिर बूटा सिंह को वहीं दफन कर दिया और अब की बार उसकी मज़ार को फूलों के और बड़े ढेर से सजा दिया था आज कहाँ है बूटा सिंह का परिवार बूटा सिंह की एक बेटी सुल्ताना को बाद में लाहौर हाईकोर्ट की बैरिस्टर राबिया सुल्तान ने गोद ले लिया था उसकी शादी लीबिया में एक इंजीनियर से हो गई थी जिसने सुल्तान को तीन बच्चे हुए हैं सिनेमा की तरफ लाइफ में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती सिल्वर स्क्रीन के की तरह जिंदगी के रंगमंच में नाटक का अंत हमेशा सुखद नहीं होता गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह को उसकी सकीना तो मिल गई लेकिन असल जिंदगी में बूटा सिंह को उसकी जैनब नहीं मिली और ना ही गदर के अशरफ अली अमरीशपुरी के तरह जैनब के घर वालों का कलेजा पसीजा तारा सिंह तो सकीना को लेकर खुशी खुशी हिंदुस्तान आ गया लेकिन बूटा सिंह की जिंदगी का लाहौर में खुद से दुखद अंत हुआ था बूटा सिंह की प्रेम कहानी को शायद सीरी फराद राजा रोमियो जूलियट सोनी माहिवाल जैसी लोकप्रियता नहीं मिली लेकिन उस दौर के युवाओं ने बूटा सिंह को शहीद ए मुहब्बत का नाम दिया बूटा सिंह पर 2001 में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक गदर एक प्रेम कथा बनाई जो कि सुपर डुपर हिट रही थी उससे पहले 1999 में शहीद ए मोहब्बत नाम से एक पंजाबी फिल्म भी बनी जिसमें गुरदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य किरदार में इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है और इसके अलावा इसरद रहमानी ने इस पर मोहब्बत नाम से एक नवले भी लिखी है गदर एक प्रेम कथा की एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है ये फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा अब म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली बाद में लड़की की सीख शिनाख्त तो होने पर उसे पाकिस्तान भेज दिया गया था बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान गए लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया और कहते हैं कि बूटा सिंह ने एक पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर कर खुदकुशी कर ली थी उन्नीस साल पहले मल्टी स्क्रीन वाले सिनेमाई घर हुआ करते थे और ना ही इतनी सोच के जितने लोग भी किसी फिल्म को लेकर दिन ही देखना चाहें तो सबको टिकट मिल ही जाए तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह छः बजे से शुरू होगा पूरे दिन उस दिन उत्सव का माहौल था सनी देवल की दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुँचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी मैंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी पहले शिला थिएटर में लगान देखी और फिर वहाँ से भागकर कर पहुँचे कना पैलेस के प्लाजा सिनेमा घर में जहाँ हमारी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हाल के भीतर घुसने तक की जगह नहीं बची थी जैसे तैसे धक्का मुक्की करके हाल के भीतर पहुंचा तो वहां सिर्फ भीड़ दिख रही थी जितने लोगों को सीटें मिली थीं वे बैठे थे और उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई होगी लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था 15 जून 2001 को रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा ही हमारे आज के इस बाइस्कोप की फिल्म है फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज़ होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतज़ार महीने भर पहले से कर रहे थे दिल्ली में गर्मियों में 19 साल पहले भी इतनी ही बेरहम हुआ करती थी कि एक दिन फिल्म वितरक गिन्नी चड्ढा का फ़ोन आया कि सनी देओल से शाम की मीटिंग फिक्स हुई और अब तक दिल्ली टाइम्स के लिए लिखने वाले पंकज कपूर के साथ सनी देवल की बहन के घर सैनिक फार्म हाउस पहुंचे वहां देर तक हम लोगों ने गदर को लेकर बातचीत की और मुझसे सनी बोले आपके मथुरा के अनिल शर्मा ही फिल्म के निर्देशक हैं फिल्म की कहानी का भी हल्का सा इशारा उन्होंने दिया लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था नहीं तो सनी देवल इसका भी जिक्र जरूर करके बातचीत करते जी हाँ कम लोगों को ही पता होगा कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है ये फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा और म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई और दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली बाद में लड़की की तो होने पर उसे नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया बिना ज़रूरी कागजात के लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने भारत आने से मना कर दिया और ये कहते हुए बूटा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे अपनी कूद कर जान दे दी फिल्म गदर एक प्रेम कथा का विचार सबसे पहले इसके लेखक शक्तिमान को आया था शक्तिमान ने ही बूटा सिंह की प्रेम कथा अनिल शर्मा को सुनाई अनिल शर्मा उन दिनों कोई ऐसी कहानी तलाश रहे थे जिसमें देश प्रेम तो हो ही लेकिन वो मनोज कुमार जैसी फिल्म ना हो कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई ये कहानी अनिल शर्मा ने मुंबई में ही पढ़ाई के बाद निर्देशक बी आर चोपड़ा के सहायक के रूप में बरसों से काम किया और शुरुआत दिनों में भी उन्होंने श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागे के रूप में सोशल मीडिया ड्रामा ही बनाई लेकिन उनको एक्शन का चस्का लगा धर्मेंद्र की की फिल्म हुकूमत हुकूमत से जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप बदल दिया इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलान जंग फरिश्ते तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा था अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म माँ बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा गोविंदा को ही अनिल शर्मा ने सबसे पहले शक्तिमान की कहानी सुनाई थी गोविंदा को पसंद भी बहुत आई लेकिन फिल्म में पैसा लगाने वाली कंपनी को गोविंदा इस फिल्म की कहानी के हिसाब से फिट नहीं लगे ये हुआ कि इसके लिए सनी देओल से बात की जाए और अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने एक कहानी सुनी थी सनी देवल बताते हैं कि ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी अनिल शर्मा जी कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थीं कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमाया, यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देवल ने इस तरह फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया कि सनी देवल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा तो हमने इस फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया था फिल्म की गदर की पूरी मेकिंग पाकिस्तान की उस वक्त की इमेज को ध्यान में रखकर की गई थी सनी देवल को किरदार तारा सिंह और इसके संवाद इतने ज्यादा मशहूर हुए कि लोग सनी देओल को इसी तरह के गुरसेल किरदार में ही देखना चाहेंगे खुद सनी देओल कहते हैं कि फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियों भर गई थी इस फिल्म से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि खुद मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी लेकिन इसके लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही हो या आसपास का था लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा उसने मेरी एक अलग छवि बना डाली इस छवि से बाहर निकले मैं मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी लेकिन आखिरकार मैंने ये करने में कामयाबी पाई और फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है अब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है के बारे में भी हम बात करेंगे कि इस मूवी ने कितना कारोबार किया था और यह मूवी कितने बजट पर बनी थी तो गदर एक प्रेम कथा है यह अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित उन्नीस में भारत के विभाजन के दौरान सेट की एक 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें बूटा सिंह के जीवन पर आधारित है जिसमें सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म अमरीश अमरीशपुरी और लिटिल दुबे के साथ सनी देवल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं और शर्मा का पुत्र उत्कर्ष शर्मा एक बाल कलाकार के रूप में देवल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाते हुए एक वयस्क के रूप में अपनी पहली फिल्म से पहले और एक शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका निभाई जिन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडियंस दिया था तो फैंस आइए जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अनिल शर्मा और इस फिल्म की कहानी लिखी है शक्तिमान तलवार ने और इस फिल्म को निर्मित किया है नितिन केनी और इस फिल्म को अभिनीत करने वाले हैं सनी देवल अमीशा पटेल अमरीश पुरी और लिटिल दुबे हैं और इस फिल्म का छायांकन किया है नजीम खान ने और इस फिल्म को संपादित किया है ए डी धनशेखरन ने केशव नायडू और अरुण बी नावेरकर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है उत्तम सिंह ने प्रोडक्शन कंपनी है सी टेली फिल्म और इसको वितरित करने वाले हैं सी टेली फिल्म ने तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि यह मूवी कब रिलीज हुई थी तो यह मूवी पंद्रह जून दो हज़ार एक को रिलीज हुई थी देश भारत भाषा हिंदी अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था एक सौ नब्बे मिलियन का और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया था वन मिलियन का तो गदर एक प्रेम कथा लगभग 190 मिलियन यूएस फोर पॉइंट जीरो थ्री मिलियन का बजट है और गदर एक प्रेम कथा को पंद्रह जून दो हज़ार एक को आशुतोष गौरकर की स्पोर्ट ड्रामा लगान के साथ वैश्विक सिनेमा में रिलीज किया गया था जिसे मिश्रित समीक्षाएँ प्राप्त करने के बावजूद इसने भारत में युद्ध रूप से सात सौ अड़सठ पॉइंट आठ मिलियन यू एस सोलह पॉइंट मिलियन डॉलर और दुनिया भर में वन पॉइंट तैंतीस मिलियन यू एस अट्ठाइस पॉइंट उन्नीस मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी और पाँच मिलियन यूएस या ग्यारह पॉइंट सत्तावन मिलियन डॉलर बितरक शेयर के साथ और हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी और सन उन्नीस में गदर एक प्रेम का था उन्नीस के दशक के बाद भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसने भारत में पचास मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की है और बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार में इसकी समायोजित सकल राशि फोर पॉइंट छियासी मिलियन यूएस एक सौ तीन मिलियन डॉलर है और सनी देवल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई है जिसमें उन्हें सैंतालीसवें फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला है जबकि पाटिल ने फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया है और 2014 तक ये भारत के विभाजन पर बॉलीवुड की अवश्य देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की कहानी शुरू होती है भारत के विभाजन दौरान फिल्म एक ड्राइवर, की की एक ड्राइवर यानी यानी कि कि तारा सिंह सनी सिख की कहानी बताते हैं जिससे एक मुस्लिम लड़की सकीना यानी कि सकू अली अमीशा पटेल से प्यार हो जाता है जो कुलीन परिवार कहानी पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में रेलवे स्टेशन से भारत आने के दौरान पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला किए जाने के साथ शुरू होती है जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान में पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं विभाजन के तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई है फिर भी वो रेलवे स्टेशन पर सकीना को उसके हाथों में छोटे ताजमहल पहचान कर रुक जाते हैं और वह उसे एक जानलेवा भीड़ का पीछा करते हुए बचाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि वो भीड़ भी 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 में खो जाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रही है जैसे ही भीड़ ने उसके साथ बलात्कार और उसकी बेरहमी से हत्या करने का प्रयास किया था तारा सिंह ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके माथे पर खून से सिंदूर लगाते हुए लगाकर उसका बचाव किया तारा की घाव घाव देकर सकीना बहुत परेशान है फिर भी तारा सिंह ने उसे अपने घर लाते हैं और समय पर कहानी में एक बड़ा फ्लैशबैक होता है जिसमें तारा और सकीना के कॉलेज के दिनों के रिश्ते को दिखाया गया है फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षी सिंगर बनने की है कॉलेज की कुछ लड़कियां जो सकीना मूर्ख तारा की दोस्त हैं यह सोचती हैं कि उन्होंने उसे एक एहसान के बदले में एक म्यूजिक शो में जगह दिलवाई है सकीना द्वारा चित्रित संगीत शिक्षक के सामने तारा खराब प्रदर्शन करता है उसका दोस्त तब उसे टैबलेट देता है जो उसे अपने गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है इसके तुरंत बाद यह दिखाया गया है कि सकीना असली संगीत शिक्षक नहीं है जो उसे दुखी करती है म्यूजिक शो में प्रदर्शन करते समय सकीना ने घोषणा की कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगी इसके बजाय कॉलेज में सीनियर्स की मर्जी के खिलाफ होने के बावजूद तारा को गाने का मौका देगी तारा अपने टैलेंट से सभी को प्रभावित करता है फाइनल ईयर पूरा कर घर लौट रहे होते हैं तारा सिंह द्वारा ताजमहल प्राचीन बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों को पाकिस्तान में रोते देखा गया है क्योंकि वे अमृतसर नहीं लौटे विभाजन से पहले तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से बेटू की तरह प्यार करते थे लेकिन तारा के माता पिता और बहनी इससे सहमत नहीं हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं स्टेशन जाते समय तारा के पिता और माँ अपनी बेटियों को कागज़ के दो पाउच देते हुए हतप्रभ जुड़वा उनसे पूछते हैं कि वह क्या हैं पिता कहते हैं कि बहनों को अपनी जान देने में संकोच नहीं करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान हमला करके उन्हें और उनकी गरिमा को चकनाचूर कर दे फिर परिवार रेलवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थियों वाली ट्रेन पर हमला कर देती है लोग खुद को बचाने के लिए दौड़े लेकिन वे भीषण रूप से मारे गए हैं तारक की बहन झट से जहर खाने की कोशिश करती है लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथ में फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार डालते हैं हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी ट्रेनें अभी अभी पूर्वी पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर आई हैं स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए इंतजार कर रहे अन्य हिंदुओं और सिखों के सात तारा ने देखा कि ट्रेन के अंदर उनके रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई है इसे देखकर हिंदुओं और सिखों ने पूर्वी पंजाब में एक मजबूत दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ उसी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन में पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे हर मुसलमान का नरसंहार किया इसके बाद और वर्तमान में वापस वे तारा के घर पहुँचे वह बताते हैं कि उनके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था और वह उनके घर पर सुरक्षित हैं साथ ही वो समझाता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वह तेजस्वी और अमीर है अपने माता पिता के निधन के बारे में स्थानीय रेलवे स्टेशन से जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है तारा के परिवार के प्रति समाज की प्रतिक्रिया के बारे में तारा की चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद वो एक मुस्लिम उनके अनुसार बहिष्कृत रख रही है और वो तारा से आग्रह करती है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो अब उस पर हावी नहीं होना चाहती है तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना जोर देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी पढ़कर उसके लिए उसके प्यार के बारे में जान लिया है लेकिन ऐसा नहीं करती है कुछ भी मत कहो सीमा पर पहुंचने और उसके प्रति अपने प्यार को महसूस करने के बाद वो उससे शादी के लिए प्रपोज करती है और वे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जीते नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं उनका जीवन गुलाब के बिस्तर जैसा लगता है जब तक सकीना एक पुराने अखबार को नहीं देखती होली का त्यौहार जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं और उसके पिता अब लाहौर के मेयर भी हैं जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से बुलाती है तो वो उसे लाहौर से ले जाने की व्यवस्था करती हैं हालांकि तारा और उनके बेटे जो उस उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं को अंतिम समय पर बताया जाता है कि उनकी बीजा औपचारिकताएँ पूरी नहीं हुई हैं जो भारत में रहने के लिए मजबूर करती हैं सकीना भारी मन से विदा होती है और वो लाहौर में अपने पूरे ख़ानदान से मिलती है उसे देखकर हर कोई रोमांचित हो जाता है बाद में जब वो भारत लौटना चाहती है तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो परित्याग करने वाली थी क्योंकि लोग उसके एक भारतीय जाट के साथ रहने के बारे में बात कर रहे थे उसके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनकी सभी कठिनाइयों से संबंधित हैं सकीना आहत और दिल टूट गई है लेकिन वो तब विरोध करना शुरू कर देती है जब उसके पिता के दोस्त उसकी शादी के बाद के जीवन को प्रचार रंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो पाकिस्तानी आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए अपने ससुराल वालों को बुरी तरह से चित्रित करते हैं और बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के से होता है जो एक बहुत ही प्रभावशाली अमीर है और उसे बताया जाता है कि वह उससे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और काजी साहब से कहती है कि पति के जीते जी दूसरा विवाह करना पाप है उसके माता पिता और मामा जी इस बात से नाराज़ हैं कि वह उसे जबरन महल के अंदर एक कमरे में बंद कर देते हैं यह जानने के बाद कि उन्हें बीजा नहीं मिलेगा तारा सिंह और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है और वो अपने बेटे जीत और उसके सहायक के साथ वह वहाँ से चला जाता है वहाँ उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी हो रही है और शादी होने से पहले वो ही उसके पास पहुंच जाते हैं माँ और बेटा खुशी से मिले जब पुजारी उन्हें रोकता है तो लड़ाई छिड़ने वाली होती है क्योंकि इसमें सकीना के पिता के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंच सकता है अशरफ अली दो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इस्लाम में परिवर्तित होना चाहिए इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जो अशरफ अली की योजनाओं के खिलाफ था वो तारा को अपने देश का अपमान करवाता है और यह कह कहकर साबित करने के लिए वो एक सच्चा पाकिस्तानी है जो उसे गुस्सा दिलाता है और इससे वो उस बड़ी भीड़ के किसी सदस्य को वह मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए भाड़े पर लिया था तारा सकीना उनका बेटा एक दोस्त के साथ भागने में सफल रहते हैं तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं लेकिन उस आदमी की पत्नी एक लालची औरत है और जो अपने लिए सकीना के सारे गहने चाहती है वो अपने पति को बात मानने से इनकार कर देती है और अधिक गहने न मिलने से सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन सकीना के जीत और तारक के साथ चले जाने के बाद अशरफ अली कुटिया में पहुंचता है और अपनी बेटी को कहीं और ले जाता है उथल पुथल की लंबी अवधि के बाद वे भारत के लिए बाद एक कपास मिल ट्रेन पकड़ते हैं अशरफ अली को पता चलता है कि और वो उन्हें रोकने के लिए कुछ आदमियों को ले जाता है आगामी लड़ाई के लिए सकीना को उसके अपने पिता ने गोली मार दी है अस्पताल में सकीना कोमा में चली गई है और दुष्प्रभाव होने के बाद वो होश में आती है फिल्म अशरफ अली द्वारा तारा को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के साथ समाप्त होती है और वे भारत लौट आते हैं तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो सनी देवल तारा सिंह के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं और अमीषा पटेल सक्सेना शक्खू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं और अमरीशपुरी मेर अशरफ अली सकीना के पिता और तारा सिंह के ससुर के रूप में हैं लिटिल दुबे सबाना अली सकीना की मां और तारा सिंह की सास के रूप में हैं और दरमियान सिंह तारा सिंह के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में विवेक शौक हैं और उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह तारा सिंह और सक्सेना के बेटे के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं सुरेश ओब्राय हैं और मधुमलती गुरजीत सिंह तारा सिंह की एक बड़ी बुआ के रूप में हैं और संदीप सिंह तारा सिंह के पिता के रूप में प्रमोद माथो हैं और परमीत सिंह तारा सिंह की मां के रूप में कनका शिवपुरी हैं और मुश्ताक खान गुल राज खान रूप के रूप में हैं और डोलीविंद्रा के रूप में हैं एहसान खान अब्दुल अली के रूप में हैं और शमर जय सिंह सलीम अली के रूप में हैं और ज्ञान प्रकाश वाली मोहम्मद के रूप में हैं विक्रांत चतुर्वेदी सलीम के कलीम के रूप में हैं और राकेश वेदी चंद्रकांत बैद के रूप में हैं और विश्वजीत प्रधान डोंगरा सुलेमान के रूप में हैं और इशारत अली परिवार के काजी के रूप में हैं और इदरीसी के रूप में मिथिलेश चतुर्वेदी जंग डेली न्यूज़पेपर के संपादक हैं बी एन शर्मा इकबाल के रूप में दिल्ली में पाकिस्तान उच्च वाणिज्य दूतावास के अधिकारी हैं और लालची महिला के रूप में प्रतिमा काजमी हैं और बानो के रूप में अमिताभ खोपर हैं और संतोष गुप्ता चंदा के रूप में हैं भारतीय सेना अधिकारी के रूप में अभय भार्गव हैं और श्वेता सिंधे सकीना मित्र गर्ल बोर्डिंग हॉस्टल के रूप में हैं और कथावाचक के रूप में ओमपुरी हैं गदर का एक हिस्सा एक प्रेम कथा की शूटिंग बिशप काटन स्कूल शिमला और शिमला के अन्य कई क्षेत्रों में की गई थी इसका एक हिस्सा सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में भी शूट किया गया था हालांकि यह फिल्म उन्नीस में सेट की गई थी इसमें क्यू सेरा सेरा का संगीत है जो पहली बार 1956 में प्रकाशित हुआ था और फिल्म की शूटिंग लखनऊ और रुदौली उत्तर प्रदेश शहर में भी की गई थी जहां शहर को लाहौर पाकिस्तान के रूप में चित्रित किया गया था और कुछ हिस्सों को मार्टिनर और बॉयज स्कूल लखनऊ में शूट किया गया था कुछ हिस्सों की शूटिंग इरसाद मंजिल पैलेस रुदौली उत्तर प्रदेश में की गई थी विभाजनग्रस्त देश को चित्रित करने के लिए पठानकोट सरना और अमृतसर में एक महत्वपूर्ण भाग की शूटिंग की गई थी तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानते हैं कि इस फिल्म को कैसी कैसी समीक्षाएँ मिली और कैसा सम्मान मिला है तो रेडफी डॉट कॉम की रुचि शर्मा ने कहा है कि गदर एक प्रेम कथा शानदार होने के करीब है भले ही यह बिट्स में ज़्यादा गर्म है इसे याद नहीं करना चाहिए फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने कहा है कि कुल मिलाकर गदर अपने शानदार नाटकी और टकराव के दृश्यों और शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाले क्षणों के लिए देखने लायक है जो फिल्म को दो खामियों पर हावी है दूसरे हाफ में कम से कम पंद्रह मिनट कम कर दिए गए हैं और एक कमजोर संगीत स्कोर है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में गदर एक प्रेम कथा ने अपनी शुरुआती थिएटर रन में 1.33 मिलियन यूएस 17 मिलियन डॉलर का संग्रह किया था और फोर मिलियन यूएस इकसठ मिलियन डॉलर का कमाई की थी और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था गदर एक प्रेम कथा 1990 के दशक के बाद ये सबसे ज्यादा दर्शकों की संख्या तीन भारतीय फिल्मों में शुमार है यूनाइटेड किंगडम में गदर एक प्रेम कथा ने लगभग दो हजार की कमाई की थी गदर एक प्रेम कथा का संगीत उत्तम सिंह ने तैयार किया था और गीत सभी गाने आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे भारतीय वेबसाइट पर बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार साउंड की लगभग 2.5 मिलियन प्रतियां बिकी हैं 15 अक्टूबर 2021 को गदर टू द कथा कंटिन्यूज नामक सीक्वल की घोषणा की गई है जिसमें सनी देवल अमीशा पटेल और उत्कर शर्मा ने मुख्य भूमिकाओं में एक मोशन पोस्टर जारी किया है फिल्म के सीक्वल का निर्देशन अनिल शर्मा ही करेंगे और जी स्टूडियोज फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जिस फिल्म को दो में रिलीज होने वाली फिल्म है तो फ्रेंड्स रुला देगी गदर फिल्म की असली कहानी 2001 में आई सनी देवल और अमीशा पटेल अभिनीत गदर एक प्रेम कथा लगभग सभी ने देखी होगी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कम्यूनल राइट्स फैले हुए हैं मजहब के आधार पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं इस बीच रेलवे स्टेशन पर सकीना यानी कि अमीशा पटेल का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं सकीना डरी सहमी भागती हुई तारा सिंह यानी कि सनी देवल से टकराती है तारा सिंह उसे दंगाइयों से बचाकर अपने घर पर पनाह देता है और बाद में दोनों की शादी हो जाती है दोनों के एक लड़का भी होता है इस बीच सकीना के पिता अशरफ अली अमरीशपुरी का पता चल जाता है कि अशरफ अली पाकिस्तान में होते हुए और सकीना को भी वहां बुला लिया जाता है लेकिन लाख के बावजूद सकीना के पति तारा सिंह को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाता है थक हार तारा सिंह चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंच जाता है लेकिन वहां उनके परिवार वाले उसे भेजने से मना कर देते हैं काफ़ी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आता है तो ये हुई फिल्म की बात लेकिन असल ज़िंदगी में क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाता है बाद में तारा सिंह का क्या होता है आज तारा सिंह के परिवार वाले कहाँ हैं ये वो सवाल हैं जिसने जानने से आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ेगी तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी को जानते हैं क्योंकि हर बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बेहद दर्दनाक अंत होता है तो गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका था और अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बन चुके हैं विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है सितंबर उन्नीस की शाम का वक्त है वर्मा में माउंट बेटन की फ़ौज के लिए लड़ चुका पचपन साल का एक सिख बूटा सिंह अपने खेत में कुछ काम कर रहा होता है तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं वो लड़की भागती हुई बूटा सिंह के कदमों में गिर कर जान बचाने की गुहार लगाती है बूटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है लेकिन नौजवान इसके बदले में उसे पैसे मांग करते हैं आखिरकार पंद्रह सौ रुपये में सौदा पक्का हुआ और लड़की पचपन साल के कुमारे बूटा सिंह को मिल गई हालांकि पंद्रह सौ रुपये की ये रकम उस जमाने के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी क्योंकि सितंबर उन्नीस में दस ग्राम सोने की कीमत करीब नवासी रुपये थी मतलब पंद्रह सौ रुपये में उस समय एक सौ अड़सठ ग्राम से ज़्यादा यानी कि करीब सत्रह तोला सोना मिल जाता आज यानी मई 2020 की बात करें तो यह सोने की कीमत 10 ग्राम सोने की कीमत करीब छियालीस हज़ार पाँच सौ रुपये है और उस हिसाब से तब का नवासी रुपया आज छियालीस हज़ार पाँच सौ के बराबर हो गया है मतलब तब का पंद्रह सौ रुपया आज का सात लाख बयासी हज़ार के बराबर हो गया है तो इस हिसाब से किताब को छोड़कर अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं दरअसल जिस लड़की को बूटा सिंह ने खरीदा था वो सत्रह साल की जैनब थी उससे उम्र में अड़तीस साल छोटी जैनब राजस्थान के एक छोटे से किसान की बेटी थी बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वह उनसे बिछड़ गई थी अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा कि बूटा सिंह के प्रेम के ने जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे दी 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बूटा सिंह और जैनब की शादी हो गई थी कुछ दिन के बाद समय बीत गया और बूटा सिंह को एक और खुशी मिली जैनब ने बूटा सिंह कि एक बेटी को जन्म दिया अब बूटा सिंह की वीरान ज़िंदगी में मानो सब कुछ था लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन देर तक रहने वाली नहीं थी क्योंकि दुखों का अब एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला है बूटा सिंह की खुशियों पर किसी की नज़र लग गई थी दरअसल शादी के ग्यारह महीने बाद बूटा सिंह को बेटी हुई जिसका नाम उसने तनवीर रखा था लेकिन बूटा सिंह की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे उसके भतीजे को ये बात कहाँ रास आने वाली थी उसका कोई वारिस आ गया और वे बेचारे उसकी जायदाद से बेदखल हो जाएंगे फिर क्या था जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप में दे दी गई थी दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिसमें पाकिस्तान से आए परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लग गई और वे एक दिन बूटा सिंह के घर आ धमके काफ़ी मिन्नतों के बाद अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए रिफ्यूजी कैंप में जैनब और बूटा सिंह की आखिरी मुलाकात हुई थी जैनब करीब छः महीने रिफ्यूजी कैंप में रही इस दौरान बूटा सिंह रोज़ उससे मिलने जाता सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे और आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे की साथ कभी न छोड़ने का कसम खाते थे और इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल जाता है और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी जाती है पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे के गले लगे जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उससे और अपनी बेटी से मिलने आएगी इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला प्यार को पाने के लिए बदला धर्म अधिकारियों के बेरुखी से परेशान बूटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमान ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी पत्नी के लिए तोड़ी सरहद की दीवार जब पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उसकी वीजा को अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी पाँच साल की बेटी तनवीर जिसका नाम अब सुल्तान हो गया है उसे लेकर चोरी पाकिस्तान पहुंच गया लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए बूटा सिंह की जैनब अब किसी और की हो चुकी थी दरअसल पाकिस्तान पहुंचे ही जैनब की शादी उसके रिश्तेदार के एक भाई के साथ करा दी गई थी बूटा सिंह वहां बहुत रोया और गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए लेकिन जैनब के परिवार वालों ने उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था जब जैनब ने इसे इनकार कर दिया और बूटा सिंह को अंदर तक तोड़ दिया पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में बूटा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने जैनब से पूछने की इजाज़त दे दी अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जैनब की ओर थी तो दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जन सैलाब के परिजनों की दहकती आंखें जैनब को घूर रही थी तभी सन्नाटे की चीखती हुई जज की आवाज़ आई जैनब इस आदमी को जानती हो जैनब ने जवाब दिया ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है अब फिर जज ने जैनब से पूछा क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी अब एक बार फिर कोर्ट के रूप में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया अगले ही पल कप कपाती हुई आवाज़ आई ये आवाज़ जैनब की थी जिसने बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया इसी तरह शायद किसी मजबूरी में जैनब की ने बेटी को साथ रखने से मना कर दिया बूटा की आंखों से आंसू की तेज धारा बह निकली उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर निकल गया बूटा सिंह की ज़िंदगी का दर्दनाक अंत तब शुरू होता है तारीख 19 फरवरी उन्नीस बुरी तरह से टूट चुका था बूटा सिंह उस पूरी रात दाता गंगा बक्स की मज़ार ये मजार लाहौर में है पर पूरी रात बैठ रोता रहा फिर बेटी को नई जूतियाँ और कपड़े खरीदवाए और लाहौर के ही लाहौर के ही शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता है कि वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी बूटा सिंह ने प्यार से अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया अगले ही पल कान के पर्दे को फाड़ती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी बूटा सिंह अब प्लेटफार्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लेकर इंजन के आगे छलांग लगा दी इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई और कुछ सेकंड में ही उसके चीथड़े उड़ चुके थे लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी बेटी को एक खरोज तक नहीं आई और वो जिंदा बच गई थी बूटा सिंह के पास से मिला वो पत्र जो आपको भावुक कर देगा बूटा सिंह के सौ के पास एक खत मिला जो उसने अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था कि उस पत्र में लिखा था मेरी जैनब तुमने भीड़ की आवाज़ सुनी लेकिन वो आवाज़ कभी सच्ची नहीं होती फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूँ मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना बूटा सिंह की आत्महत्या से पाकिस्तान में भी सहानुभूति की लहर दौड़ गई बूटा सिंह की आत्महत्या और उसके खत की जानकारी जब अखबारों की में बनी तो उसने धर्म के नाम पर अंधे हुए कई लोगों को अंदर तक झकझोर दिया धर्म के नाम पर धधक रहे समाज को बूटा सिंह की कुर्बानी ने थोड़ी ठंडक दी लेकिन ये बूटा सिंह की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए काफ़ी ही था 22 फरवरी उन्नीस को का दिन था जब कुछ नौजवान बूटा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुर में घुसे लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जैनब के दूसरे पति ने बूटा सिंह की लाश को गांव में दफन नहीं करने दिया निराश युवक बूटा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और वहीं उसे मियाँ साहिब कब्रिस्तान में दफन कर दिया और उसकी कब्र को फूलों से ढेर से सजा दिया लेकिन इसकी खबर जब जैनब के दूसरे पति को लगी तो वो अपने आदमियों के साथ वहाँ भी आ धमका और बूटा सिंह की कब्र को खुदवा दिया लेकिन बूटा सिंह की मोहब्बत महज की दीवारों से कहीं ऊंची थी लिहाजा लाहौर के नवयुगों ने फिर बूटा सिंह को वहीं दफन कर दिया और अब की बार उसकी मज़ार को फूलों के और बड़े ढेर से सजा दिया था आज कहाँ है बूटा सिंह का परिवार बूटा सिंह की एक बेटी सुल्ताना को बाद में लाहौर हाईकोर्ट की बैरिस्टर राबिया सुल्तान ने गोद ले लिया था उसकी शादी लीबिया में एक इंजीनियर से हो गई थी जिसने सुल्तान को तीन बच्चे हुए हैं सिनेमा की तरफ लाइफ में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती सिल्वर स्क्रीन के की तरह जिंदगी के रंगमंच में नाटक का अंत हमेशा सुखद नहीं होता गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह को उसकी सकीना तो मिल गई लेकिन असल जिंदगी में बूटा सिंह को उसकी जैनब नहीं मिली और ना ही गदर के अशरफ अली अमरीशपुरी के तरह जैनब के घर वालों का कलेजा पसीजा तारा सिंह तो सकीना को लेकर खुशी खुशी हिंदुस्तान आ गया लेकिन बूटा सिंह की जिंदगी का लाहौर में खुद से दुखद अंत हुआ था बूटा सिंह की प्रेम कहानी को शायद सीरी फराद राजा रोमियो जूलियट सोनी माहिवाल जैसी लोकप्रियता नहीं मिली लेकिन उस दौर के युवाओं ने बूटा सिंह को शहीद ए मोहब्बत का नाम दिया बूटा सिंह पर 2001 में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक गदर एक प्रेम कथा बनाई जो कि सुपर डुपर हिट रही थी उससे पहले 1999 में शहीद ए मोहब्बत नाम से एक पंजाबी फिल्म भी बनी जिसमें गुरदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य किरदार में इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है और इसके अलावा इसरद रहमानी ने इस पर मोहब्बत नाम से एक नवले भी लिखी है गदर एक प्रेम कथा की एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है ये फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा अब म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली बाद में लड़की की सीख शिनाख्त तो होने पर उसे पाकिस्तान भेज दिया गया था बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान गए लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया और कहते हैं कि बूटा सिंह ने ए पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर कर खुदकुशी कर ली थी उन्नीस साल पहले मल्टी स्क्रीन वाले सिनेमाई घर हुआ करते थे और ना ही इतनी सोच के जितने लोग भी किसी फिल्म को लेकर दिन ही देखना चाहें तो सबको टिकट मिल ही जाए तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह छः बजे से शुरू होगा पूरे दिन उस दिन उत्सव का माहौल था सनी देवल की दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुँचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी मैंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी पहले शिला थिएटर में लगान देखी और फिर वहाँ से भागकर कर पहुँचे कना पैलेस के प्लाजा सिनेमा घर में जहाँ हमारी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हाल के भीतर घुसने तक की जगह नहीं बची थी जैसे तैसे धक्का मुक्की करके हाल के भीतर पहुंचा, तो वहां सिर्फ भीड़ दिख रही थी जितने लोगों को सीटें मिली थीं वे बैठे थे और उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई होगी लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था 15 जून 2001 को रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा ही हमारे आज के इस बाइस्कोप की फिल्म है फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज़ होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतज़ार महीने भर पहले से कर रहे थे दिल्ली में गर्मियों में 19 साल पहले भी इतनी ही बेरहम हुआ करती थी कि एक दिन फिल्म वितरक गिन्नी चड्ढा का फ़ोन आया कि सनी देओल से शाम की मीटिंग फिक्स हुई और अब तक दिल्ली टाइम्स के लिए लिखने वाले पंकज कपूर के साथ सनी देवल की बहन के घर सैनिक फार्म हाउस पहुंचे वहां देर तक हम लोगों ने गदर को लेकर बातचीत की और मुझसे सनी बोले आपके मथुरा के अनिल शर्मा ही फिल्म के निर्देशक हैं फिल्म की कहानी का भी हल्का सा इशारा उन्होंने दिया लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था नहीं तो सनी देवल इसका भी जिक्र जरूर करके बातचीत करते जी हाँ कम लोगों को ही पता होगा कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है ये फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा और म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई और दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली बाद में लड़की की तो होने पर उसे नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया बिना जरूरी कागजात के लड़की पर घर वालों को दबाव पड़ा तो उसने भारत आने से मना कर दिया और ये कहते हुए बूटा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे अपनी कूद कर जान दे दी फिल्म गदर एक प्रेम कथा का विचार सबसे पहले इसके लेखक शक्तिमान को आया था शक्तिमान ने ही बूटा सिंह की प्रेम कथा अनिल शर्मा को सुनाई अनिल शर्मा उन दिनों कोई ऐसी कहानी तलाश रहे थे जिसमें देश प्रेम तो हो ही लेकिन वो मनोज कुमार जैसी फिल्म ना हो कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई ये कहानी अनिल शर्मा ने मुंबई में ही पढ़ाई के बाद निर्देशक बी आर चोपड़ा के सहायक के रूप में बरसों से काम किया और शुरुआत दिनों में भी उन्होंने श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागे के रूप में सोशल मीडिया ड्रामा ही बनाई लेकिन उनको एक्शन का चस्का लगा धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत से हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप बदल दिया इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलान जंग फरिश्ते तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा था अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म माँ बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा गोविंदा को ही अनिल शर्मा ने सबसे पहले शक्तिमान की कहानी सुनाई थी गोविंदा को पसंद भी बहुत आई लेकिन फिल्म में पैसा लगाने वाली कंपनी को गोविंदा इस फिल्म की कहानी के हिसाब से फिट नहीं लगे ये हुआ कि इसके लिए सनी देओल से बात की जाए और अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद और के कहने पर ही सनी देवल ने एक कहानी सुनी थी सनी देवल बताते हैं कि यह फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी अनिल शर्मा जी कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमाया, यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देवल ने इस तरह फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया कि सनी देवल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा तो हमने इस फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया था फिल्म की गदर की पूरी मेकिंग पाकिस्तान की उस वक्त की इमेज को ध्यान में रखकर की गई थी सनी देओल को किरदार तारा सिंह और इसके संवाद इतने ज़्यादा मशहूर हुए कि लोग सनी देओल को इसी तरह के गुरसेल किरदार में ही देखना चाहेंगे खुद सनी देवल कहते हैं कि फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियों भर गई थी इस फिल्म से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि खुद मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी लेकिन इसके लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही हो या आसपास का था लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा उसने मेरी एक अलग छवि बना डाली इस छवि से बाहर निकले मैं मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी लेकिन आखिरकार मैंने ये करने में कामयाबी पाई और फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है अब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित उन्नीस में भारत के विभाजन के दौरान सेट की एक 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें बूटा सिंह के जीवन पर आधारित है जिसमें सिंह द्वारा निर्देशित अमरीश अमरीशपुरी और लिटिल दुबे के साथ सनी देवल और अमीषा पाटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं और शर्मा का पुत्र उत्कर्ष शर्मा एक बाल कलाकार के रूप में देवल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाते हुए एक वयस्क के रूप में अपनी पहली फिल्म से पहले और एक शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका निभाई जिन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडियंस दिया था तो फैंस आइए जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अनिल शर्मा और इस फिल्म की कहानी लिखी है शक्तिमान तलवार ने और इस फिल्म को निर्मित किया है नितिन केनी और इस फिल्म को अभिनय करने वाले हैं सनी देओल अमीशा पटेल पुरी और लिटिल दुबे हैं और इस फिल्म का छायांकन किया है नजीम खान ने और इस फिल्म को संपादित किया है ए डी धनशेखरन ने केशव नायडू और अरुण बी नावेरकर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है उत्तम सिंह ने प्रोडक्शन कंपनी है सी टेली फिल्म्स और इसको वितरित करने वाले हैं सी टेली फिल्म्स ने तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि यह मूवी कब रिलीज हुई थी तो यह मूवी पंद्रह जून दो हज़ार एक को रिलीज हुई थी देश भारत भाषा हिंदी अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था एक सौ नब्बे मिलियन का और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया था वन मिलियन का तो गदर एक प्रेम कथा लगभग 190 मिलियन यूएस 4.03 मिलियन का बजट है और गदर एक प्रेम कथा को 15 जून 2001 को आशुतोष गौरकर की स्पोर्ट ड्रामा लगान के साथ वैश्विक सिनेमा में रिलीज किया गया था जिसे मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद इसने भारत में युद्ध रूप से सात सौ अड़सठ पॉइंट आठ मिलियन यू एस सोलह पॉइंट मिलियन डॉलर और दुनिया भर में वन पॉइंट तैंतीस मिलियन यू एस अट्ठाइस मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी और पाँच मिलियन यू एस मिलियन डॉलर के बितरक शेयर के साथ और हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी और सन उन्नीस में गदर एक प्रेम का था उन्नीस के दशक के बाद भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसने भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की है और बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार में इसकी समायोजित सकल राशि फोर पॉइंट छियासी मिलियन यूएस एक सौ तीन मिलियन डॉलर है और सनी देवल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई है जिसमें उन्हें सैंतालीसवें फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला है जबकि पाटिल ने फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया है और 2014 तक ये भारत के विभाजन पर बॉलीवुड की अवश्य देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की कहानी शुरू होती है भारत के विभाजन दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर यानी यानी कि कि तारा सिंह सनी देवल एक सिख की कहानी बताते हैं जिससे एक मुस्लिम लड़की सकीना यानी कि सकू अली अमीशा पटेल से प्यार हो जाता है जो कुलीन परिवार कहानी पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में रेलवे स्टेशन से भारत आने के दौरान पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला किए जाने के साथ शुरू होती है जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान में पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं विभाजन के तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई है फिर भी वो रेलवे स्टेशन पर सकीना को उसके हाथों में छोटे ताजमहल पहचान कर रुक जाते हैं और वह उसे एक जानलेवा भीड़ का पीछा करते हुए बचाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि वो भी भी भीड़ में खो जाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रही है जैसे ही भीड़ ने उसके साथ बलात्कार और उसकी बेरहमी से हत्या करने का प्रयास किया था तारा सिंह ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके माथे पर खून से सिंदूर लगाते हुए लगाकर उसका बचाव किया तारा की घाव घाव देकर सकीना बहुत परेशान है फिर भी तारा सिंह ने उसे अपने घर लाते हैं और समय पर कहानी में एक बड़ा फ्लैशबैक होता है जिसमें तारा और सकीना के कॉलेज के दिनों के रिश्ते को दिखाया गया है फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षी सिंगर बनने की है कॉलेज की कुछ लड़कियां जो सकीना को मूर्ख तारा की दोस्त हैं यह सोचती हैं कि उन्होंने उसे एक एहसान के बदले में एक म्यूजिक शो में जगह दिलवाई है सकीना द्वारा चित्रित संगीत शिक्षक के सामने तारा खराब प्रदर्शन करता है उसका दोस्त तब उसे टैबलेट देता है जो उसे अपने गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है इसके तुरंत बाद यह दिखाया गया है कि सकीना असली संगीत शिक्षक नहीं है जो उसे दुखी करती है म्यूजिक शो में प्रदर्शन करते समय सकीना ने घोषणा की कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगी इसके बजाय कॉलेज में सीनियर्स की मर्जी के खिलाफ होने के बावजूद तारा को गाने का मौका देगी तारा अपने टैलेंट से सभी को प्रभावित करता है फाइनल ईयर पूरा कर घर लौट रहे होते हैं तारा सिंह द्वारा ताजमहल प्राचीन बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों को पाकिस्तान में रोते देखा गया है क्योंकि वे अमृतसर नहीं लौटे विभाजन से पहले तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से बेटों की तरह प्यार करते थे लेकिन तारा के माता पिता और बहनी इससे सहमत नहीं हैं वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं स्टेशन जाते समय तारा के पिता और माँ अपनी बेटियों को कागज़ के दो पाउच देते हुए हतप्रभ जुड़वा उनसे पूछते हैं कि वह क्या हैं पिता कहते हैं कि बहनों को अपनी जान देने में संकोच नहीं करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान हमला करके उन्हें और उनकी गरिमा को चकनाचूर कर दे फिर परिवार रेलवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थियों वाली ट्रेन पर हमला कर देती है लोग खुद को बचाने के लिए दौड़े लेकिन वे भीषण रूप से मारे गए हैं तारक की बहन झट से जहर खाने की कोशिश करती है लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथ में फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार डालते हैं हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी ट्रेनें अभी अभी पूर्वी पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर आई हैं स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए इंतजार कर रहे अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ तारा ने देखा कि ट्रेन के अंदर उनके रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई है इसे देखकर हिंदुओं और सिखों ने पूर्वी पंजाब में एक मजबूत दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ उसी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन में पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे हर मुसलमान का नरसंहार किया इसके बाद और वर्तमान में वापस वह तारा के घर पहुँचे वह बताते हैं कि उनके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था और वह उनके घर पर सुरक्षित हैं साथ ही वो समझाता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वह तेजस्वी और अमीर है अपने माता पिता के निधन के बारे में स्थानीय रेलवे स्टेशन से जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है तारा के परिवार के प्रति समाज की प्रतिक्रिया के बारे में तारा की चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद वो एक मुस्लिम उनके अनुसार बहिष्कृत रख रही है और वो तारा से आग्रह करती है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो अब उस पर हावी नहीं होना चाहती है तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना जोर देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी पढ़कर उसके लिए उसके प्यार के बारे में जान लिया है लेकिन ऐसा नहीं करती है कुछ भी मत कहो सीमा पर पहुंचने और उसके प्रति अपने प्यार को महसूस करने के बाद वो उससे शादी के लिए प्रपोज करती है और वह एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जीते नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं उनका जीवन गुलाब के बिस्तर जैसा लगता है जब तक सकीना एक पुराने अखबार को नहीं देखती होली का त्यौहार जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं और उसके पिता अब लाहौर के मेयर भी हैं जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से बुलाती है तो वह उसे लाहौर से ले जाने की व्यवस्था करती हैं हालांकि तारा और उनके बेटे जो उस उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं को अंतिम समय पर बताया जाता है कि उनकी बीजा औपचारिकताएँ पूरी नहीं हुई हैं जो भारत में रहने के लिए मजबूर करती हैं सकीना भारी मन से विदा होती है और वो लाहौर में अपने पूरे खानदान से मिलती है उसे देखकर हर कोई रोमांचित हो जाता है बाद में जब वो भारत लौटना चाहती है तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो परित्याग करने वाली थी क्योंकि लोग उसके एक भारतीय जाट के साथ रहने के बारे में बात कर रहे थे उसके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनकी सभी कठिनाइयों से संबंधित हैं सकीना आहत और दिल टूट गई है लेकिन वो तब विरोध करना शुरू कर देती है जब उसके पिता के दोस्त उसकी शादी के बाद के जीवन को प्रचार रंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वह पाकिस्तानी आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए अपने ससुराल वालों को बुरी तरह से चित्रित करते हैं और बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के से होता है जो एक बहुत ही प्रभावशाली अमीर है और उसे बताया जाता है कि वह उससे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और काजी साहब से कहती है कि पति के जीते जी दूसरा विवाह करना पाप है उसके माता पिता और मामा जी इस बात से नाराज़ हैं कि वह उसे जबरन महल के अंदर एक कमरे में बंद कर देते हैं यह जानने के बाद कि उन्हें बीजा नहीं मिलेगा तारा सिंह और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है और वो अपने बेटे जीत और उसके सहायक के साथ वह वहाँ से चला जाता है वहाँ उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी हो रही है और शादी होने से पहले वो ही उसके पास पहुँच जाते हैं माँ और बेटा खुशी से मिले जब पुजारी उन्हें रोकता है तो लड़ाई छिड़ने वाली होती है क्योंकि इसमें सकीना के पिता के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंच सकता है अशरफ अली दो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इस्लाम में परिवर्तित होना चाहिए इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जो अशरफ अली की योजनाओं के ख़िलाफ़ था वो तारा को अपने देश का अपमान करवाता है और यह कहकर साबित करने के लिए वो एक सच्चा पाकिस्तानी है जो उसे गुस्सा दिलाता है और इससे वो उस बड़ी भीड़ के किसी सदस्य को वह मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए भाड़े पर लिया था तारा सकीना उनका बेटा एक दोस्त के साथ भागने में सफल रहते हैं तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं लेकिन उस आदमी की पत्नी एक लालची औरत है और जो अपने लिए सकीना के सारे गहने चाहती है वो अपने पति को बात मानने से इनकार कर देती है और अधिक गहने न मिलने से सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन सकीना के जीत और तारक के साथ चले जाने के बाद अशरफ अली कुटिया में पहुंचता है और अपनी बेटी को कहीं और ले जाता है उथल पुथल की लंबी अवधि के बाद वे भारत के लिए बाद एक कपास मिल ट्रेन पकड़ते हैं अशरफ अली को पता चलता है कि और वो उन्हें रोकने के लिए कुछ आदमियों को ले जाता है आगामी लड़ाई के लिए सकीना को उसके अपने पिता ने गोली मार दी है अस्पताल में सकीना कोमा में चली गई है और दुष्प्रभाव होने के बाद वो होश में आती है फिल्म अशरफ अली द्वारा तारा को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के साथ समाप्त होती है और वे भारत लौट आते हैं तो फैंस आइए चलते हैं जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो सनी देवल तारा सिंह के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं और अमीषा पटेल सक्सेना शक्ू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं और अमरीशपुरी मेर अशरफ अली सकीना के पिता और तारा सिंह के ससुर के रूप में हैं लिटिल दुबे सवाना अली सकीना की मां और तारा सिंह की सास के रूप में हैं और दरमियान सिंह तारा सिंह के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में विवेक शौक हैं और उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह तारा सिंह और सक्सेना के बेटे के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं सुरेश ओब्राय हैं और मधुमलती गुरजीत सिंह तारा सिंह की एक बड़ी बुआ के रूप में हैं और संदीप सिंह तारा सिंह के पिता के रूप में प्रमोद माथो हैं और परमीत सिंह तारा सिंह की मां के रूप में कनका शिवपुरी हैं और मुश्ताक़ खान गुल राज खान, रूप के, रूप खान के रूप में हैं और डोलीविंद्रा के रूप में हैं एहसान खान अब्दुल के रूप में हैं और शमर जय सिंह सलीम अली के रूप में हैं और ज्ञान प्रकाश वाली मोहम्मद के रूप में हैं विक्रांत चतुर्वेदी सलीम के कलीम के रूप में हैं और राकेश वेदी चंद्रकांत बैद के रूप में हैं और विश्वजीत प्रधान डोंगरा सुलेमान के रूप में हैं और इशारत अली परिवार के काजी के रूप में हैं और इदरीसी के रूप में मिथिलेश चतुर्वेदी जंग डेली न्यूज़ पेपर के संपादक हैं बी एन शर्मा इकबाल के रूप में दिल्ली में पाकिस्तान उच्च वाणिज्य दूतावास के अधिकारी हैं और लालची महिला के रूप में प्रतिमा काजमी हैं और बानू के रूप में अमिताभ खोपर हैं और संतोष गुप्ता चंदा के रूप में हैं भारतीय सेना अधिकारी के रूप में अभय भार्गव हैं और श्वेता सिंधे सकीना मित्र गर्ल बोर्डिंग हॉस्टल के रूप में हैं और कथावाचक के रूप में ओमपुरी हैं गदर का एक हिस्सा एक प्रेम कथा की शूटिंग बिशप काटन स्कूल शिमला और शिमला के अन्य कई क्षेत्रों में की गई थी इसका एक हिस्सा सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में भी शूट किया गया था हालांकि यह फिल्म उन्नीस में सेट की गई थी इसमें क्यू सेरा सेरा का संगीत है जो पहली बार उन्नीस में प्रकाशित हुआ था और फिल्म की शूटिंग लखनऊ और रुदौली उत्तर प्रदेश शहर में भी की गई थी जहां शहर को लाहौर पाकिस्तान के रूप में चित्रित किया गया था और कुछ हिस्सों को मार्टिनर और बॉयज स्कूल लखनऊ में शूट किया गया था कुछ हिस्सों की शूटिंग इरसाद मंजिल पहले रुदौली उत्तर प्रदेश में की गई थी विभाजनग्रस्त देश को चित्रित करने के लिए पठानकोट सरना और अमृतसर में एक महत्वपूर्ण भाग की शूटिंग की गई थी तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानते हैं कि इस फिल्म को कैसी कैसी समीक्षाएँ मिली और कैसा सम्मान मिला है तो रेडफी की रुचि शर्मा ने कहा है कि गदर एक प्रेम कथा शानदार होने के करीब है भले ही यह बिट्स में ज़्यादा गर्म है इसे याद नहीं करना चाहिए फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने कहा है कि कुल मिलाकर गदर अपने शानदार नाटकी और टकराव के दृश्यों और शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाले क्षणों के लिए देखने लायक है जो फिल्म को दो खामियों पर हावी है दूसरे हाफ में कम से कम पंद्रह मिनट कम कर दिए गए हैं और एक कमजोर संगीत स्कोर है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में गदर एक प्रेम कथा ने अपनी शुरुआती थिएटर रन में 1.33 मिलियन यूएस 17 सत्रह मिलियन डॉलर का संग्रह किया था और फोर मिलियन यूएस इकसठ मिलियन डॉलर का कमाई की थी और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा आल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था गदर एक प्रेम कथा 1990 के दशक के बाद ये सबसे ज्यादा दर्शकों की संख्या में तीन भारतीय फिल्मों में शुमार है यूनाइटेड किंगडम में गदर एक प्रेम कथा ने लगभग दो हजार की कमाई की थी गदर एक प्रेम कथा का, का संगीत उत्तम सिंह ने तैयार किया था और गीत सभी गाने आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे भारतीय वेबसाइट पर बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार साउंड ट्रेक की